मेरे सरकार आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि आचम्यो प्राणायम्यो केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमस्तु वृक्षालय ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि आरार्धिक्यं चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणच मुखाद् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरी दर्श कराने वाला। हो ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोले जगपंत कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, पिकड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहजं नमामि, भवं भवानी सहजं नमामि, भवं भवानी सहजं नमामि। नमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि यो पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग विराजमान हो जाएंगे, पूज्य सद्गुरु भगवान विराजमान हो चुके हैं, आप लोग भी विराजमान हो जाएं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठ के दिव्य शोभा को बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में वादन करेंगे गुरुदेव भगवान का, बड़ी सुंदर प्यारी आभा के साथ में दर्शन देते हुए दिव्य झांकी के और अपने साथ ही आज प्रथम दिवस की पावन कथा के साथ में श्रीधाम वृंदावन से और पावन भागवत कथा की महात्म की प्रथम कथा से आज हमको और आपको जोड़ेंगे। तो आइए इससे पहले की पावन कथा में गोता लगाए हम और आप सभी लोग हो जाए प्रथम दिवस की इस दिव्य पावन गंगा में, उससे पहले मैं आप सभी को लेकर चलूंगा श्रीधाम वृंदावन में चल रही उन पावन सेवाओं की ओर, जो सेवाएं निरंतर चल तो सीधा वृंदावन में रही हैं, परंतु जिनकी चर्चाएं आज पूरी दुनिया भर में हो रही हैं। एक बार जोरदार तालियां पुण्य सद्गुरुदेव भगवान के लिए जिनके माध्यम से इतना सुअवसर हमें मिला है कि वृंदावन जैसी पावन तपो भूमि पर विराजमान हो रहे हैं, अथवा अपने घर बैठे जुड़ रहे हैं, इन पावन सेवाओं के दर्शन तो कर ही रहे हैं, अपने हाथों से भी इन सेवाओं को करने का सुअवसर हम प्राप्त कर पा रहे हैं। आइए ऐसे में निवेदन करूंगा कि सद्गुरु भगवान तो ये सभी कार्य ये सभी सेवाएं कर ही रहे हैं, क्यों ना अगर हमसे बन पड़े तो हम भी अपने हाथों से ये शुभ कार्य करके देखें और अपने जीवन को प्रभु के चरणों की भक्ति से सेवा से जोड़ करके आनंदित बनाने का प्रयास करें। आइए मेरा भी यही प्रयास रहेगा, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं अथवा अपने घर बैठे हैं, अब इन सेवाओं के दर्शन करेंगे, दानवीर महापुरुषों के नाम सुनेंगे, आप भी इन पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें और पुण्य लाभ अर्जित करें। आइए नाम सुनेंगे दानवीर महापुरुषों के आज की श्रेणी में।
स्वर्गीय जस्सी भाई जी और राजेंद्र किशोर जी अरोरा सहारनपुर से उनके नाम से 3,01,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। राजेंद्र किशोर जी अरोरा सहारनपुर से एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने एक साधारण कमरा माओ के लिए बनवाया है, 3,01,101 रुपए का योगदान देते हुए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, सुमन जी मुंगेर बिहार से 25,000 रुपए, शिवराज साहू जी आप ब्राह्मण मोहल्ला से 25,000 रुपए, गोविंद जी वेंकट राव जी आप केंद्र लाटूर से आप 21,000 रुपए देते हुए एक माँ का आजीवन सहारा बने हैं। शिवाजी राव जी कर्नाटक से माताओं के लिए 21,000 रुपए, सुंदर गुप्ता आप सुंदर कुमार गुप्ता लक्ष्मी नगर दिल्ली से आप 21,000 रुपए, हरिगोविंद प्रसाद लखनऊ से 11,000 रुपए, शिवांगी मुजफ्फरपुर बिहार से 11,000 रुपए, गिराजी बाबूलाल जी गोमतीवाल राजस्थान से 11,000 रुपए, ललन प्रसाद जी साहू से आप 11,000 रुपए, बासीधर सादर तमिलनाडु से 11,000 रुपए, रानी मोदनबाल जी वाराणसी से 11,000 रुपए, निखिल जी सिंघाल आप दिल्ली से आप 11,000 रुपए, निराला प्रसाद जी गुप्ता बिलासपुर से 11,000 रुपए, सोमादेवी ज्वालापुरी से 11,000 रुपए, मसराम शासी सुरचना देवी बिलावर जम्मू से 11,000 रुपए आप दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में 11,000 रुपए कुसुम लता जी गुड़गांव हरियाणा से, ब्रदमाओं की सेवा के लिए अविनाश जी तिकमानी आप तमिलनाडु से 11,000 रुपए, मनोज कुमार तिकमानी आप 11,000 रुपए, वंदनापुरी धरेंद्र पंजाब से 11,000 रुपए, माभी प्रसाद जी गुप्ता राजस्थान से 11,000 रुपए, श्याम जी दाबदा अलीनगर से 11,000 रुपए, अन्य क्षेत्र की बावन सेवा के लिए गोरखपुर से दान कर रहे हैं। रामबच्चन राम शंकर यादव जी आप 11,000 रुपए, अश्विनी कुमारी गुप्ता कबरदास से 11,000 रुपए, मोतीलाल जी गुप्ता आप सासाराम से आप 11,000 रुपए, राम अग्रवाल जी अश्विनी नगर से रायपुर से 11,000 रुपए, अंकित जी केष्टा महाजन आप कांगड़ा से 11,000 रुपए, अन्य क्षेत्र बावन सेवा के लिए राकेश कुमारी बेंगलुरु से आप 11,000 रुपए, दीपक सरेन आप गुजरात से 7,000 रुपए, नरेश कुमारी पटेल पटनम से 6,000 रुपए, जगदीश प्रसाद शुक्ला गोरखपुर से आप 51,000 रुपए, दीपक जी नामा जयपुर राजस्थान से 51,000 रुपए, देवेंद्र कुमार बहादुरगढ़ से 51,000 रुपए, विजय कुमार दुग्गल गाजियाबाद से 5,100 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में 5,000 रुपए पवन सिंह जी आप अन्य क्षेत्र बावन सेवा की, पद्मनाभन जी आप कृष्णा स्वामी आप अंधेरी मुंबई से 5,000 रुपए, मोहिनी देवी जयपुर राजस्थान से 5,000 रुपए, रामदेव सिंह जी दरभंगा बिहार से 4,500 रुपए, बिलास जी मनोज कदम पुणे से आप महाराष्ट्र से 4,000 रुपए, वीरकांत जी सिंह आजमिर राजस्थान से 3,100 रुपए, विनोद कुमार जी शर्मा दरबार झारखंड से 3,100 रुपए, जितेंद्र जी जालौन से आप 3,000 रुपए, दादूराम जी यादव आप ऋतु यादव जी बिलासपुर से 3,000 रुपए, 21,000 रुपए सकुदरा जी सानी लुधियाना पंजाब से, तनिष कुमार जी मुजफ्फरपुर बिहार से आप 2,551 रुपए, रामकृष्ण उद्धव जी आप चवाले चंद्रपुर से आप 2,121 रुपए, रविंद्र राज जी आप 2,101 रुपए, सुनील कुमार शर्मा शिकार से आप 2,100 रुपए, रविंद्र कुशवाहा जी लुधियाना पंजाब से आप 2,100 रुपए, रवि प्रकाश गुप्ता दिल्ली से आप 2,100 रुपए, राजू बेंगलुरु से आप 2,100 रुपए, श्रीमती कुनानी देवी आप बिरादी चंद्र जी आप प्रधान शिकार राजस्थान से आप 2,100 रुपए, योगेश अत्री बुलंदशहर से आप 2,000 रुपए, बनमाले जी आप नयगुड़ीचा से आप 2,000 रुपए, लीलावती श्रीवास्तव देवरिया से 2,000 रुपए, ममता बादम जी गीता बादम जी लखनऊ से विजय शहर के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में स्वर्गीय अरविंद प्रसाद जी गुप्ता के नाम से काला उत्तराखंड से विजय सर, लता देवी आप गोपालगंज बिहार से, सुमित्रा कुमारी बनापर से भलाई छत्तीसगढ़ से, स्वर्गीय चंद्र प्रकाश वत्रा के नाम से फरदाबाद से, मनराज सिंह जी पंजाब से, जोगिंद्र पाल जी बिलासपुर से, ओंकार राजन जी आप बरौली पुणे से, शमशेर सिंह आप राणा आप हरियाणा से, विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए, सुनील जी जगदीश चौहान मुंबई से, प्रीति कुमार यादव आप दरभंगा बिहार से, शांति रानी आप लखनऊ से, राजकिशोर जी एम निशा यादव जी आप मुंबई से, रेखा बाई जी मंगला जी मंदसौर मध्य प्रदेश से, मंजू जी बजाज आप राजस्थान से, रेखा मिश्रा जी गोवा से, सुमन शर्मा जी पुनम कुमारी हिमाचल प्रदेश से, गीता सोनी आप छत्तीसगढ़ से, गीता जी भाटी गाजियाबाद से, स्वर्गीय केला देवी के नाम से प्रदेश से, मधु जी जिनवाल, अजय कुमार जिनवाल मुंबई से, अर्चना कुमारी बंगाल से, संदीप बजट आप दिल्ली से, विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। रेखा बाजी मंदसौर से, देवेंद्र कुमार शर्मा आप दिल्ली से, जगदम्बा कुमार सिंह जी आप बिहार से, रामजी प्रजापत आप राजस्थान से, शिव कुमार निर्मलकर आप रामपुर ओडिशा से, मनोज कुमार जी आप हिस्सा हरियाणा से, अनुज कुमार शिवा आप सविता जी आप कानपुर से, मंदीप कौर मोहाली पंजाब से, भूलभाई सरसा हरियाणा से, ऋतुराज जी जसवाल अंबिकापुर से, जयेश प्रकाश जी हापुर से, संदीप कुमार सिवान बिहार से, विद्याभूषण पांडे बिहार से, प्रियंका जी भूनिया मोदनीपुर बंगाल से, चंद्रमंडल आप जलंधर पंजाब से, इंद्रदेव जी कलू सिंह मुंबई से, शिवानी मंडल बंगाल से, प्रदेश कुमार प्रजापति अखिलेश कुमार जहां बिहार से, संतोष कुमार सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से, कांता डालमिया जी शिमला से, सतीश शमा शिवास कानपुर से, वकील सहानी मुसमती जसवाल रायपुर से, अकुति देवी श्रीवास्तव आप नरवर से, मध्य प्रदेश से 22,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में नीलम जी आप नागलोई दिल्ली से, विजय सेव शादी अनुप जी माली आप रायबरेली से, सावित्री जी माली आप भोपाल से 2,100 रुपए, गणेश कुमार सुदेश कुमार जम्मू से आप 3,100 रुपए, चाणी समाज पटना बिहार से, विजय से माली देवी आप भोपाल से, सुषमा देवी गाजियाबाद से, सोमा देवी जी आप चंडीगढ़ से, सुनील कुमार जी आप बिहार से, रचन चंद जी आप हिमाचल प्रदेश से 5,000 रुपए, ईश्वरदास जी जयपुर राजस्थान से 2,100 रुपए, शांति देवी आप बेगूसराय बिहार से 7,000 रुपए, रामू राम साहू जी आप धनौरा से, राजराम प्रेमपति आप बदायूं से 2,100 रुपए, बजो देवी आप सरदारी लाल जी जम्मू से 2,000 रुपए, लाजवंती देवी रोहतक से आप 11,000 रुपए, सुमिता देवी राजस्थान से 3,100 रुपए, चीनू सोनी अपूर्वा सोनी बिलासपुर से 2,101 रुपए का योगदान दे रहे हैं। ननू अमृतसर विजय सहयोग के हाथ अगड़ा खुशी रिद्धमा जी आप अमृतसर पंजाब से, प्रकाश चंद्र देवी मरदा से, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से 11,000 रुपए आप दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में शीला जी आप अमृतसर पंजाब से, जयकिशन जी अमृतसर पंजाब से, ललित कुमार जी अमृतसर से, उषा देवी झारखंड से, अमृत देवी आप झारखंड से, कालोजी नायक आप 51 रुपए राजस्थान से, किशोर तेजी सामला आप राजस्थान से, अनंत प्रसाद शर्मा नेपाल से, विजय किशोर सजल गुप्ता गाजियाबाद से, सुरेश चंद गर्ग जी, श्रीमती सचिव प्रभा जी मुजफ्फरनगर से 11 रुपए, पुष्पा श्रीवास जी ग्वालियर से, विजय ईशान जी हरियाणा से, विजय शीला देवी सुल्तानपुर से, रामेश्वरी देवी आगरा से, अंकित भारद्वाज जी दिल्ली से, विजय सहयोग की आप हाथ आगे बढ़ा रहे हैं।
संतो देवी आप दिल्ली से भेजे से कालिदास जी, सकुदा देवी आप राजौरी जम्मू से आप 11,000 रुपया, अनिल कुमार जी मीना देवी आप हरियाणा से 11,000 रुपया, नक्षत्र बांसीवाल की पोलिस सोनिया यस अनिता जी कटक से 11,000 रुपए, शंकर भाई जी गुजरात से भेजे से, जयेश भाई जी आप बीकू भाई पटेल आप सूरत से भेजे से, चतर कंवर जी सीहोर से आप दान कर रहे हैं सभी सेवाओं के लिए 1,00,000 रुपए, चतर जी के बाद सीहोर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में महेश जी, अतुल कुमार जी मुरैना से 11,000 रुपए, ऋषि आप दिल्ली से विजय से, राजेश मंडल आप बिहार से, मोहल्ला निशा जी रायपुर से 11,000 रुपए, गुलाबचंद जी दिल्ली से विजय से, विद्या मित्तल सिंह, सुरेंद्र कुमार जी मित्तल आप खटीमा से, उधम सिंह नगर उत्तराखंड से, सभी सेवाओं के लिए आप प्रदान कर रहे हैं 1,01,100 रुपए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैला देवी जी 11,000 रुपए, सोना से प्रदान करें श्याम सिंह जी फलवत से 11,000 रुपए, क्षेत्र बांसीवाल की साधु कुमारी शर्मा जी सोलन सिंह 11,000 रुपए, कमलेश शर्मा जी सोलन से, रमेश जी आप डिंगरा आप सोलन से विजय से, हर्षद जी जम्मू से, कलावती आप केसरबाणी जबलपुर से 11,000 रुपए, 21,000 रुपए, बलविंदर जी पंजाब से 15,000 रुपए, काजूबाजी महाराष्ट्र से, सत्यन सिंह जी कानपुर से विजय से, संदीप जी हरियाणा से विजय से 2,000 रुपए, समसाद जी देवगढ़ आप महाराष्ट्र से प्रदान करें, राजेश पटेल आप मुंबई से विजय से 21,000 रुपए, राम भरोसे साहब आप रायपुर से प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अर्पे जी आगरा से विजय साहब प्रदान करें, साथ गौरव जी नीलम जी अश्विनी आप मंगा मुंबई से 25,000 रुपए, संदीप बधाई से विजय साहब, प्रसूति साहू जी दुर्ग से आप 5,000 रुपए, क्षेत्र बांध सिबा के लिए हरे जी पंता बेरीनाथ से आप विजय साहब, तुलन जी आप इस से 11,000 रुपए, लोसन राम जी साहू आप विजय साहब, राजकुमार जी गुप्ता बिलासपुर से आप विजय साहब, रमा मिश्रा दिल्ली से आप 2,000 रुपए, साथी राजपति देवी बरनबाला आप संत कबीर नगर से गोरखपुर से, सभी सेवाओं के लिए आप 50,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। इलायची देवी संत कबीर नगर से आप विजय साहब, उषा देवी मोदरवाल आप संत कबीर नगर से आप 21,000 रुपए, गीता वर्मा जी उत्तम नगर से आप प्रदान कर, जैसे राकेश गुप्ता लखनऊ से विजय से, सज्जन लाल जी जसवाल आप अमेठी से 31,000 रुपए, सुखदा जी जसवाल आप बैतूल से आप 51,000 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में ममिता विश्वास जी आप दिल्ली से विजेस्त, ज्ञानमती आप द्रौपदी सीताराम जी सिद्धार्थ नगर से विजेस्त, शशि देवी लखनऊ से विजेस्त, मंटोरा भाई जी चंद्राकर छत्तीगढ़ से, प्रभा चंद्राकर आप छत्तीगढ़ से विजेस्त के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभा जी आप देवी हिस्सा रहने से 11,000 रुपए, चंद्र प्रभा देवी जयसवाल आप विजेस्त, मनेन्द्र जी पठानिया पठानपुर पंजाब से, नीरज कुमार यादव जी आप कानपुर से, अक्षय कुमार जी गौरव झारखंड से, किशोर श्याम सुंदर साहू जी अयोध्या से, सुभा दर्शन देवी जम्मू से, नागरल मल जी आप जम्मू से, मुकेश जी मऊ से, रविंदर जी आप उड़ीसा से विजेस्त, शांता राणा जम्मू से विजेस्त, किशोर नरसिंह दास जी गंगवाल आप जम्मू से विजेस्त, करण सिंह जी जम्मू से विजेस्त, जी मंगल आप सुधीर मंगल, सुशील मंगल पटेल पंजाब से, चंद्रकांता जी आप श्री राजेंद्र का समाना से 11,000 रुपए और 25,000 रुपया क्षेत्र और गोदान के लिए प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में ओमकांत जी भटनागर आप दिल्ली से विजय से, विमल चक्रवाल सरता जी अग्रवाल आप सीकर राजस्थान से, सभी सेवाओं के लिए 41,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि कांत प्रताप आप अम्बाला से विजय से, मनोज जी महेंद्र जी अलीगढ़ से, अभी किशोर रघुवीर सिंह जी आप कन्नौज से, अभी किशोर शिव जी बिहार से विजय से, जगदीश जी बिहार से विजय से, पोदरिया देवी अभी सिवान बिहार से 18,000 रुपए, राजीव प्रताप रामबरेली से विजय से, मंगल जी कुमकार धनबाद से, अभी क्या मनमोहन जी आप श्री लक्ष्मी नारायण जी आप स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी की श्रीमती में महेंद्रगढ़ से 11,000 रुपए, कृष्णा बहादुर जी गोमा से आप विजय से, राजीव गुप्ता ग्वालियर से 11,000 रुपए, सुनील जी कानपुर से विजय से, संदीप चौधरी मधुबाला देवी बरेली से आप 40,000 रुपए सभी सेवा दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र साहब जी आप सुखमती जमुना साहब जी रायगढ़ से विजय से, सुरोचन जी आप लोचन घनश्याम साहू जी रायगढ़ से विजय से, यवनिशा अजय साहू जी रायगढ़ से विजय से, संध्या साहू जी आप विभिन्न योगेंद्र जी रायगढ़ से विजय से, क्रियामती हिमांशी साहब जी आप रायगढ़ से विजय से, किशोर गौरंग साहब जी आप समस्त परिवार रायगढ़ से प्रदान करें 3,000 रुपए, से प्रसाद जी मजौली से, किशोर रामचंद जी समस्तीपुर बिहार से, मनोज जी बिहार से, शांतु जी उड़ीसा से, ओम कुमारी महाजन हिमाचल से 11,000 प्रदान कर, साथ ही 11,000 रुपए, संतोष कुमारी मंडी से विजय से के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में 37,000 रुपए सभी सेवाओं के, सऊदी देवी आगरा से प्रदान करें, सुशीला मेरा भोपाल से 11,000 रुपए, आयुष मिश्रा इंदौर से विजय से, गिरवर सिंह जी आप बल्लभगढ़ से 11,000 रुपए, अन्य क्षेत्र की 52 सेवा के लिए, विजय मीना त्रिपाठी अयोध्या से 11,000 रुपए, सुंदा जी गुप्ता कोलकाता पश्चिम बंगाल से विजय से, सीमा यादव जी आप विशाखापट्टनम से, अंकुश जी विशाखापट्टनम से, सुरेना जी कौशीनगर से, इंदु देवी कौशीनगर से, दुर्गा जी कौशीनगर से विजय से के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, इंद्रावती महाराजगंज से अभी किशोर महेंद्रबाजी सरसा से आप 2,000 रुपए, जगदीश जी बिहार से विजय से, बला देवी गाजियाबाद से 51,000 रुपए, सुरती जी गाजियाबाद से 2,000 रुपए, बुधराम जी दिल्ली से अभी किशोर, बसंती मिश्री विजय से, साथ ही स्वर्गीय विनोद कुमार जी के नाम से, सुंदरीयाल जी यमुना बिहार दिल्ली से आप 20,000 रुपए, संजय कुमार जी गोला गुड़गांव से 5,000 रुपए, सुशांत कुमार जी रावत उड़ीसा से 2,100 रुपए का योगदान दे रहे हैं। इसी श्रेणी में रेखा बहन जी मानव शुक्ला आप राजकोट गुजरात से, पुनः देवी मुजफ्फरपुर बिहार से, हीरा देवी उत्तराखंड से विजय से, शादी 21,000 रुपए, बालकृष्ण भारद्वाज बिमलेश देवी फरदाबाद से प्रदान करी, मावी प्रसाद जी शर्मा बरेली से विजय से, बलिस्टर यमुनानगर से 11,000 रुपए, सुनीता जी पलटवार आप पलटेवार चंद्रपुर से आप 11,000 रुपए, कमल जी किशोर जी हिमाचल प्रदेश से आप विजय से 1,00,000 रुपए, 5,100 रुपए, लक्ष्मण साहू जी पूर्वती साहू जी आप छत्तीसगढ़ से, विमला साहू जी छत्तीसगढ़ से, कोमल जी भाटी आप दिल्ली से, जगत सिंह जी ने आप दिल्ली से विजय से, रमेश जी गुप्ता अलीगढ़ से आप 2,861 रुपए, कृष्ण सिंह जी रावत आप दिल्ली से विजय से, प्रेम सिंह रावत उत्तराखंड से, महाभवी देवी आप गाजियाबाद से 11,000 रुपए, लीलावजी आप केसरा नागपुर से 5,000 रुपए, अन्य क्षेत्र की 52 सेवा दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में
3,100 रुपए अनक्षेत्र की बावन सेवा के लिए श्रीमान नारायण के नाम से सोनीपत उपदान किए गए। रूपकला जी जगदीश यादव जी गाजियाबाद से 11 रुपए, मालदी माईपाल जी गाजियाबाद से 31 रुपए, महेंद्र जी गाजियाबाद से 21 रुपए, गुलाबाई जी मेरा भोपाल से 11 रुपए, निर्मल देवी बिहार से विजय से मावी प्रथा जी सुमित्रा मंगला जी गुड़गांव से आप 21,000 रुपए और 5,300 रुपए आप अन्य सेवाओं के लिए। रंजित राजी आप सबरा बिहार से 21 रुपए, पुष्पलता जी गुप्ता कुलदीप बिहार अलीगढ़ से आप 21,000 रुपए, निर्मल देवी आगरा से 10,000 रुपए, विश्वनाथ प्रथा जी विक्रम बिहार से 4,000 रुपए, स्वर्गीय नाथुराम जी के नाम से सोमलता मिश्रा झांसी से आप 21, प्रदीप शर्मा जी यमुनानगर से विजय से धान जी आप 11 रुपए, दान बहादुर यादव जी अंबेडकर नगर से आप दान कर रहे हैं 5,001 रुपए, सती नीरो जी आप पवन जी दिल्ली से 11 रुपए, कश्मीर देवी आप सिकंदरा राव से, जोहना नायक जी उड़ीसा से, गोवर्धन साहू जी आप बिलाई से, गेंदलाल जी वर्मा आप दुर्ग से, नीति सिंह जी आप अमरोहा से, बाबा नानी बहन जी आप सूरत गुजरात से विजय सहयोग के हाथों के बुला रहे हैं 21 रुपए करे लिया है। प्रेमी बहन जी सूरत गुजरात से 31 रुपए, जया सिंह जी आप सुल्तानपुर से 21 रुपए, रमला देवी आगरा उत्तर प्रदेश से, संतोष जी पीलीभीत से विजय सहयोग 11 रुपए, स्नेहलता शर्मा आप स्नेहलता जी प्रधान के सिद्धार्थ नगर से, साथ ही खगोर सिंह जी पंजाब से, विजय सिंह फकीर सिंह जी पंजाब से 11,000 रुपए अनुक्षेत्र की बावन सेवा के लिए। वैसे श्रेणी में 5,000 रुपए सावित्री देवी आप दान करिए अनुक्षेत्र बावन सेवा की, श्रीमती श्यामा देवी इटावा से 21 रुपए, दुर्गाराम जी पंजाब से 5 रुपए, सुखराम जी गंगानगर से विजय सहयोग के हाथ तक बुला रहे हैं। तासीम सहसा आप दान कर रहे हैं 5,100 रुपए जम्मू से, साथ ही आलोक तिवारी आप बलिया से, आप विजय से, भारती भारत जी आप अलीगढ़ से, मनोज जी आप गाजियाबाद से, किरण जी आप दिल्ली से, निशा देवी प्राणपुर पंजाब से विजय से, सुषमा जी गुप्ता कृष्ण नगर से 4,500 रुपए, यदेन्द्र पाल जी शर्मा अशोक नगर से आप 22,000 रुपए, सभी सेवक निशा जी दिल्ली से 11 रुपए, चंदा देवी आप बरेली से 2,101 रुपए, शीला जी बरेली से विजय से 31 रुपए, मिथिलेश कुमारी आप बेटा से, सविता देवी आप सविता देवी जी किशनपुर से विजय से, द्रौपदी देवी विजय से, गजेंद्र शाह जी आप उषा देवी कोलकाता से विजय से के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में सोनिया रामारानी चंद्र पंजाब से विजय से, माधुरी शर्मा जी आप लखीमपुर खीरी से आप दान कर रहे 11,501 रुपए, धर्मेंद्र कुमार जी कमरपुर से आप 2,200 रुपए, विनाय जी आनंद जी दिल्ली से विजय से, गीता जरोड़ा आप दिल्ली से विजय से, रानी शुक्ला शाहजहापुर से 5,000 रुपए, सुधा जी गुलेज आशीष नगर से आप हबी नगर से आप 2,000 रुपए क्षेत्र बांध सुबह के लिए। माधुरी शर्मा जी लखीमपुर खीरी से आप दान कर रहे हैं विजय से, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में 11,000 रुपए सतीश कुमार जी छिपा आजमेर राजस्थान से, लालजी परमार आप गुजरात से, गुरुजीत सिंह आप अम्बाला से, जगदीश सिंह आप पंजाब से, गुरजीत अभिनीत आप अम्बाला से, अभिकास जी वेस्ट बंगाल से, विजय सहित देवजी तिवारी बलिया से 11,000 रुपए आप अन्य क्षेत्र के और 21,000 रुपए आप एक माह की आजीवन सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। बबिता जी आप हरियाणा से विजय, बिपिन जी गुप्ता बहादुरगढ़ से आप विजय, श्यामला जी पंजाब से 2,001 रुपए, अजय जी आगरा से आप 2,100 रुपए, डॉक्टर ब्रजमोहन जी आप नई दिल्ली से 3,100 रुपए, बिट्टू कुमार जी आप बिहार से विजय, शारदा जी दिल्ली से आप विजय, रंजी गुप्ता जी या द्रौपदी सोरेन जी गुप्ता दिल्ली से आप 31 रुपए, अनुभव जी आपने यादव जी अयोध्या से विजय, प्रीतम जी आप प्रदान करें अयोध्या से विजय, साथी सुरेश देवी धरोना से विजय, इंदिरा जी जबराय शांत से अभी किशोर, श्री राम जी आप सक्सेना आप मेनपुर से 11,001 रुपए प्रदान करें, चंपारा साहू जी शकरबाल आप बिलासपुर से 21 रुपए, गीतराबाई जी रामकिशन जी गोयल आप हैदराबाद से विजय, निर्मल देवी अम्बाला से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में राजकुमारी श्रीमती रानी मखिया पानीपत से आप 25,000 रुपए, गुप्तदान पानीपत से 11 रुपए, सर्वेश देवी आप अलीगढ़ से 32,000 रुपए आप सभी सेवा को प्रदान करी, मीरा चतुर्वेदी आप राजस्थान से, हंसा जी आप प्रभुलाल जी चौहान रायपुर से विजय, कमल जी समझीपुर बिहार से 5,100 रुपए, चिंकी जी देहरादून से विजय 21,000 रुपए, रंजना जी आप कानपुर से प्रदान करी, एक माह का जीवन सार बनते हो, मैदर रोहतक से विजय, विप्लव जी आप ज्योति जी आसाम से, प्रिया जी आप दिल्ली से विजय, स्वर्गीय जगजीवन जी के नाम से, जीवन लाल जी के नाम से, रामेश्वर देव जी कल्याण से मुंबई से 21 रुपए, सतो देवी आप कर्नाल से विजय, योग माया रिजा जी परिवार मेमर से आप 2,021 रुपए, मनोहर जी श्रीलंका से विजय, गुप्त दान 11,000 रुपए, अपना नाम गुप्त रखते हुए आप दान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में साधना जी अलीगढ़ से विजय से, रामकली पांडे आप चंपा छत्तीसगढ़ से 15,000 रुपए, कुशु यादव जी आप दिल्ली से विजय से, स्वर्गीय कमले जी दिवंगन के नाम से उड़ीसा से विजय से, जितेंद्र अग्रवाल जी आप सीतारामपुर से वेस्ट बंगाल से 25,000 रुपए, रेखा बाजी रघुनाथ जी आप मेघलाल जी से, ब्रजमोहन जी राजस्थान से आप 51,000 रुपए सभी सेवा प्रदान करें, रेखा बाजी रघुनाथ जी मेघेवाल जी ब्रजमोहन जी राजस्थान से, रामदयाल जी सपरिवार आप कोटा से 11 रुपए, बाबूराज सिंह जी भिंड से आप 31 रुपए, इंदर जी राजस्थान से 21 रुपए, रामप्रकाश जी भाटी गाजियाबाद से 11 रुपए, धर्मवीर जी उत्तमनगर से आप 21 रुपए, अभिषेक जी परा जी आप संजय जी करनाल से 31 रुपए, हरिप्रसाद जी आगरा से आप 21 रुपए, की देवी बिहार से 5 रुपए, देवी आगरा से 10,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। इसी श्रेणी में रवि कुमार जी बिहार से विशेष, उत्तम जी विश्राम जी आप छत्तीसगढ़ से 2 रुपए, अशोक देवी फरियाबाद से 2 रुपए, साउदी राम जी आप उड़ीसा से विशेष, बिराजी कोलकाता से विशेष, बिमला देवी आप कोलकाता से 3,000 रुपए, समिति यादव जी आजमगढ़ से 3,000 रुपए, सकदा जी हरिद्वार से 22,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। ओम प्रकाश जी महेश्वरी आप जयपुर से 1,000 रुपए दे दो, एक माह का जीवन सहारा बने हैं। संतोष जी मुजफ्फरनगर से आप 21 रुपए, क्षेत्र बावन सेवा के लिए। ओम प्रकाश जी नारायण श्री गंगानगर से 95,000 रुपए, कमलेश्वर जी रोहित शर्मा श्यामपुर से 10,000 रुपए, रामेश्वर देवी आप तिरुपति, जंजीर सिंह हरियाणा से 11 रुपए, जीरो देवी हरियाणा से विजय, अंबिका शर्मा जी गाजियाबाद से 2,000 रुपए अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए। इसी श्रेणी में
दीपक जी आगरा से भेज सक, अजय वीर से चौहान आप बिजनौर से भेज सक, मूलचंद जी कन्नौर से, परमवीर जी आप नई दिल्ली से, तुलाराम जी आप सिकंदराबाद से, ग्यारह सौ सुग्री आप सिकंदराबाद से, ग्यारह सौ गायत्री शर्मा जी आप गायत्री भाई जी भेज से, कुमारी भाई जी भेज सक, विभूति सिन्हा बिहार से भेजे, रवि साहू ध्रुव से आप भेजे, निर्मल देवी आप बलदेव सिंह राणा आप दान करें हिमाचल से भेजे, और ग्यारह हजार रुपए धानबद्दी आगरा से दान करें। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने पावन हाथ आगे बढ़ाए, पावन सीमा से जोड़ा, ऐसे सभी दानवीर महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मैं निवेदन करूंगा जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं कि आप भी अपने सुंदर से योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं। श्रीधाम प्रताप में बड़ी सुंदर सेवाएं चल रही हैं, आप भी इन पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें। सेवाओं में सर्वप्रथम सेवा उन माओं की हो रही है जिन माओ को वास्तव में आज आपके हमारे सहारे की आवश्यकता है। आइए उन माओ का सहारा बनेंगे, मात्र 21,000 रुपए के छोटे से योगदान से एक माँ का सहारा बनते हुए पुण्य और आशीर्वाद से जोड़ेंगे। इसी के साथ में एक दिन की गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 11,000 रुपए, एक दिन की संपूर्ण रसों की पावन सेवा के लिए मात्र 31,000 रुपए का योगदान देते हुए आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में अन्यत्र सेवाएं, गौ माताओं की पावन सेवा, गोदान की सेवा, गौचारण भूमि के लिए आप भूमि दान कर सकते हैं, गौ माताओं के जहां चारा उगाया जाएगा। इसी के साथ में निर्माण कार्य के साथ में गौरी गुरुकुल पावन सेवा और तुला दान की पावन सेवा से भी आप अपने आप को जुड़ सकते हैं। सेवा बड़ी सुंदर व्यवस्थित रूप में यहाँ चल रही हैं। आप जब भी सीधा वृंदावन में आए एक बार इन सेवाओं के अपनी आंखों से साक्षात दर्शन जरूर करें और आपसे हो सके इन सेवाओं को आगे बढ़ाने में अपनी सहायता प्रदान जरूर करें। आइए जो लोग यहाँ बैठे सुंदर से भाव के साथ में जिन्हें इन पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ना है उनके लिए काउंटर यहीं लगा है जहाँ से आप एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं। दोनों साइड में काउंटर लगा अथवा आश्रम के अंदर जाकर के अपने योगदान आप दान कर सकते हैं। जो लोग घर बैठे ही अपना योगदान यहां तक पहुंचाना चाहते हैं इन सेवाओं के लिए उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और क्यूआर कोड देखा जा रहा था कि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकें। अब आइए बिना एक भी क्षण गवाए चलेंगे आज के मधुर मंगल वेला की। और उससे पहले की विशेष सूचना, लगातार भागवत जी के पाठ सीधा वृंदावन में बैठ रहे हैं, एक बार पुनः सो अवसर आपको भी मिलेगा कि आप भी भागवत जी का सुंदर सा पाठ यहां बिठा सकते हैं। जी हां, 12 से 18 अप्रैल भागवत जी के पाठ बैठ रहे हैं, तो आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पितरों के कल्याण की मुक्ति के लिए भागवत जी का पाठ यहां बिठा सकते हैं। अब आइए चलेंगे आज की पावन मंगल बेला की और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव के साथ में मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीता राम।
रहा अपनी धुन में रहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। रसिकन का मोह संग मिला, रसिकन का मोह संग मिला, ठोकर खाने वाला
चरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, सत चरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। सब कार्य कैसे होते हैं, सब कार्य कैसे होते हैं, जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे होते हैं, जाने कैसे होते हैं, जाने कैसे होते हैं, या शरण शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। संस्कार टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी कथा में। जो कथा हम सबके जीवन की व्यथा को मिटा रही है, ऐसी कथा हम सभी सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। इस कथा में परीक्षित बनके आप सभी दूर दूर से आई माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की मंगलमयी कथा में। श्रीमती लीला देवी असवाल जी नई दिल्ली नेहरू नगर से आप आई हैं, साथ में श्री आपके दामाद जी श्री प्रवीण कुमार चौधरी लक्ष्मी चौधरी जी, नवनीत विष्ट इंदु विष्ट जी, मनीष रावत आशा रावत जी, एक बार सुंदर तालियां श्रीमती लीला देवी असवाल जी के परिवार के लिए। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। श्रीमती लीला देवी कहाँ हैं मैया?
आप परीक्षित बन के इस कथा का रसपान करते हुए अपना जीवन सवार रही हैं और भगवान की कृपा से आप का पूरा परिवार इस कथा की गंगा से आप सभी जुड़ रहे हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथी प्रताप से हैं उर्वशी देवी जी, बेटा रविंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव, गुड्डू यादव जी, श्री लक्ष्मी देवी जी, नाती गोविंद यादव, पत्नी निशा यादव जी, प्रताप सिंह जी और उर्वशी मैया कहाँ हैं? आप प्रेम पूर्वक इस कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सा परिवार भगवान की कृपा पर बनी रहे, सदा आप सुखी और स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना। साथी भीखम प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती मंदाकिनी तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, श्रीमती प्रीति तिवारी जी, दीपक तिवारी जी, समस्त परिवार बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं और श्री भीखम प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती मंदाकिनी तिवारी जी, भगवान की कृपा से आप सभी इस पावन सी गंगा कथा की गंगा से जुड़ते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत जो सुनता है वह भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। साथ ही श्रीमती प्रेमलता नारायण केंद्री जी अहमदपुर महाराष्ट्र से हैं, भाभी श्रीमती छाया तुकाराम केंद्री जी, बेटा श्री चंद्रशेखर सीताराम मुंडे एवं सा परिवार आप आए हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ आपका भी स्वागत। महाराष्ट्र से आप आए हैं श्रीमती प्रेमलता नारायण केंद्री जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जैसे गंगा का जल सबकी प्यास बुझाता है, उसी तरह ये भागवत की कथा सबका कल्याण करती है। जो सुनता है सबका कल्याण, सब पर कृपा। जो यहाँ आप आए हैं, जो नहीं आए तो टीवी पर सुन रहे हैं, जो सुन रहा है भागवत बस वो अपने आप को कृतार्थ कर रहा है। पानी से जब हम नहाते हैं तो पानी हमारे बाहर के मैल को साफ करता है। बॉडी में त्वचा में कोई गंदगी हो तो उसे वो पानी धुल देता है। पानी बाहर की गंदगी को धुलता है, जबकि सत्संग मन की गंदगी को धुलकर साफ कर देता है। जल शरीर को शुद्ध करता है, भगवान की कथा मन को शुद्ध करती है। मन को कितना शुद्ध करती है, ये आज पहला दिन है, आज अभी केवल देखिए। आज से दूसरा दिन होने दीजिए, तीसरा और सातवां। सातवें दिन आते आते आप खुद पाएंगे कि आप बिना कुछ किए आपका हृदय निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया। ये खुद आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, या आप खुद अनुभव करेंगे। ये किसी के बताने, किसी के समझाने किसके लिए आवश्यकता नहीं है, इसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद इस बात के प्रमाण बनने जा रहे हैं, आप खुद इसके गवाह होंगे। मैया आप बस चुप रहो, मेरी माँ शांत, आप सब बैठ जाओ, भैया मेरे भाई बैठ जाओ, आप सब बैठो, समझदार हो आप सब बैठो, आनंद लो, कथा का आनंद लेना चाहिए। कल भगवान की कथा क्या करती है जानते हैं? मन को साफ करती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्चित आनंद। भागवत में कितने श्लोक हैं आप भैया? भागवत जी के बारे में जानकारी रखते हैं? नहीं। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। 32 चरण का एक श्लोक होता है। अठारह हजार श्लोक है।
18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद द्वादश स्कंद भागवत में सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे हैं और परीक्षित जी प्रश्न करते जा रहे हैं, इसलिए परीक्षित उवाच और सुकवाच, श्री सुकवाच, सुकवाच मतलब जहां सुखदेव जी बोले हैं उसे सुकवाच कहते हैं, जहां परीक्षित जी बोलेंगे वहां परीक्षित उवाच आएगा, सूतवाच, जहां सूत जी कहेंगे वो सूतवाच, जहां शौनक जी कहेंगे शौनकोवाच, श्री भगवान उवाच, जहां ये आएगा वहां भगवान कह रहे हैं श्री भगवान उवाच। ऐसे भागवत जी में बहुत सारे प्रश्न हैं पूछे हुए, कहीं विदुर जी ने पूछा, कहीं युधिष्ठिर जी ने पूछा, कहीं परीक्षित जी ने पूछा, कहीं शौनक आदि ऋषियों ने पूछा। ऐसे पूछे गए प्रश्न हैं जिनमें वक्ता उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे, जैसे सुखदेव भगवान उत्तर दे रहे हैं, तो कहीं नारद जी उत्तर दे रहे हैं, तो कहीं भगवान उत्तर दे रहे हैं। ऐसा भक्त और भगवान की वार्ता है भागवत जी। कुल मिलाकर यदि हम बहुत सरल अर्थों में भागवत जी को समझें तो भागवत जी भक्त और भगवान की क्या है, वार्तालाप। इसलिए भागवत सुनने से यह पता चलता है कि भक्त क्या चाहता है और भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं। भगवान के स्वभाव का प्रतिपादन भागवत जी से होता है, भगवान के स्वभाव का निरूपण, भगवान का स्वभाव कैसा है ये भागवत जी ही बताएंगे और कौन बताएगा। जैसे भगवत गीता में केवल अधिकांश अर्जुन कह पूछ रहे हैं या धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि तुम आंखों देखा हाल सुनाओ, और यहां अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। भागवत 6 अध्यायों की महिमा पहले भागवत जी में गाई गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, मेरे संग बोलो, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत् तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्चित आनंद, भगवान के स्वरूप कैसा है, सत्य भगवान, सत्य चित आनंद प्रकाश के साथ विश्व की उत्पत्ति करते हैं भगवान, पालन करते हैं भगवान, संहार करते हैं। अच्छा भगवान किसे कहते हैं भाई, आप बताओ भगवान किसे कहते हैं। भगवान की परिभाषा क्या है पता है हाँ? नहीं, ये बहुत गलत बात है कि आप लोगों को भगवान की परिभाषा नहीं पता।
इससे होगा क्या कि कल को कोई आपसे कह दे कि ये भगवान है तो आप मान लेंगे उनको, क्योंकि आपको भगवान की परी। भाई ये बताओ, यदि आपको सोने की पहचान नहीं है तो कोई भी आपको बुद्धू बना सकता है कि नहीं, कि भाई साहब ये सोना है? कोई भी आपको कोई नकली वस्तु पकड़ा देगा और कह देगा कि ये सोना है, चूंकि आपको पहचान नहीं पता, तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है, हाँ या ना मैया? इसलिए आप कि असली सोने की पहचान क्या है, तो वही हम आपसे पहली बात ये पूछ रहे हैं कि क्या आप भगवान की परिभाषा जानते हैं? यदि जानते हैं तो बहुत अच्छा है, उसी को कंटिन्यू करेंगे, पर नहीं जानते तो थोड़ा ये समझाना पड़ेगा आपको कि भगवान कहते किसे हैं, कौन है भगवान? मैया भैया आप बताएंगे परिभाषा भगवान किसे कहते हैं? आप जानते हैं परिभाषा भगवान की? हाँ आपके बगल वाले भैया, हाँ या ना? नहीं, जो हाँ जो सत्चित आनंद स्वरूप है वो भगवान है, पर सत्चित आनंद स्वरूप तो और भी है, इसलिए ये भी ठीक है, इसे कोई नकारेगा नहीं, पर जो विशेष परिभाषा है वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। आप बताओ भैया, पीले भैया, देखो बहुत गलत बात है, कुछ तो बोलो, जैसे मैया ने कुछ तो बताया, कुछ तो बताओ आप, फेल क्यों हो रहे हो, कुछ नंबर तो लाओ। भगवान किसे कहते हैं भाई? भगवान की भी तो कोई परिभाषा होगी ना, बिना परिभाषा के कैसे कोई चीज संभव है? आप बता भैया, भगवान किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया किसे कहते हैं भगवान? नहीं, हाँ, परमपिता परमात्मा है, परमपिता परमात्मा ये परिभाषा है। हाँ मैया बैठो, मेरी माँ बैठे बैठे बताना है, खड़े होने का कष्ट नहीं। मैया आपसे नहीं पूछेंगे, आप काहे जा रही हो, डर के मारे जाइए हमसे ना पूछ ले महाराज जी। तो पहली खिसक गई मैया, पूछ लेंगे, इस डर से जा रही हो क्या मेरी माँ? हाँ अच्छा ठीक है, टाटा करो टाटा। और ये भैया भी जा रहे हैं आपके साथ साथ, जल्दी आना। भगवान किसे कहते हैं? भगवान की एक सिंपल परिभाषा, बहुत सारी परिभाषाएं हैं ईश्वर की, जैसा कि मैया ने बताया, सच्चिद आनंद, जो सत्चित आनंद है वो भगवान, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं वो भगवान, जो सारे दुखों का नाश कर दे तापत्रय विनाशाय वो भगवान। लेकिन एक विशेष परिभाषा भी है भगवान की, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्री ज्ञान वैराग्य और चैव सरनाम भगितीर्णः, एक छह लक्षण जिसमें हो वो भगवान, बिनु पग चलहिं सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, जो बिना कान के सुनता हो, बिना पांव के चलता हो, बिना आंख के देखता हो, बिना हाथ के काम करता हो वो भगवान। ये सारी परिभाषाएं बहुत बढ़िया है, कोई गलत नहीं बोलेगा इन्हें, सब परफेक्ट है, लेकिन एक परिभाषा है जो ये सिद्ध करेगी कि ये भगवान है, और वो परिभाषा सिर्फ भगवान में लागू होगी, दूसरे में लागू नहीं हो सकती। पहले ये कन्फर्म कराओ कि भगवान कितने हैं, आप बताओ कितने हैं, उत्तर दो। एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, दूसरा, दूसरा कोई सवाल ही नहीं, ईश्वर एक है, पहले ये कन्फर्म करो ईश्वर एक है,
तो अब वो एक कौन है? कौन है वो एक? वो एक जो है वही भगवान है। और भगवान की परिभाषा है, भगवान का एक नाम है लक्ष्मीपति। भगवान का नाम क्या है? जो लक्ष्मी के पति हैं वो भगवान है। जो लक्ष्मी जी के पति हैं वो भगवान है। लक्ष्मी पति कौन है? कौन है? कौन है? सब नहीं बोलेंगे भैया, बताएंगे। नए विद्यार्थी मिले हैं हमें, थोड़ा पढ़ाने दो। बताओ, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान नारायण के ही चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं। क्या आपने किसी और के चरण दबाते देखा लक्ष्मी जी को? तो लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं वो भगवान हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान के ही चरण दबाती हैं और किसी के नहीं। तो ये परिभाषा है, भगवान के लक्षण बहुत हैं। भगवान का एक विशेष लक्षण और है, जिनकी छाती में चरण का चिन्ह हो, पांव का निशान हो, वो भगवान है। भगवान की छाती में क्या है? पांव के निशान। आपके गोपाल जी होंगे छोटे से, उनको भी देखना पांव के निशान होंगे। वो पांव किनका है? किन्होंने लात मारी थी भगवान जी को? भृगु ऋषि ने लात मारी, तो भगवान की छाती में चरण अंकित हो गया। जैसे थप्पड़ किसी को जोर से मार दो ना, तो उसकी उंगलियां उछल जाती हैं, गाल में निशान बन जाते हैं। ऐसे भृगु जी ने इतनी जोर की लात मारी कि भगवान की छाती में भृगु जी के पांव का निशान बन गया, और वो चरण चिन्ह आज भी गोपाल जी में होता है, भगवान राम के हृदय में, भगवान कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण और राम ये दोनों ही भगवान नारायण के ही अवतार। भगवान नारायण इस रूप में आए राम के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान कौन है? जो बिना पांव के चलते हो, जो बिना पांव के चलते हो, जो बिना कान के। अब यहां पर देखो, जो मैंने बोला ना बिना पांव के चलना, बिना पांव के ब्रह्मा जी भी चल लेते हैं, बिना कान के ब्रह्मा जी भी सुन लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा है। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान नहीं कहा जाता। जैसे आपने बोला सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद ब्रह्मा जी को भी बोला जा सकता है। सच्चिदानंद ब्रह्मा जी को भी बोला जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान नहीं बोला जा सकता। भगवान के समकक्ष हैं ब्रह्मा जी, पर भगवान नहीं। भगवान जैसे हैं, भगवान जैसा होना अलग है और भगवान होना अलग है, क्योंकि सारी परिभाषाएं शायद ब्रह्मा जी में लागू हो जाए, पर एक परिभाषा में ब्रह्मा जी फेल हो जाएंगे कि लक्ष्मी जी चरण ब्रह्मा के नहीं, भगवान नारायण के ही दबाती। इसलिए भगवान की परिभाषा में एक नाम आया है लक्ष्मीपति। कौन है भगवान? जोर से, क्या है भगवान? लक्ष्मीपति। इस संसार में लक्ष्मीपति केवल एक है, केवल भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु भी कहते हैं, जिन्हें हरि भी कहते हैं, जिन्हें राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, रघुनंदन भी कहते हैं, राघव भी कहते हैं, गोविंद भी, गोपाल भी, मनमोहन भी, गिरिवरधारी भी, मदन मुरारी भी, इत्यादि नामों से उन्हें जाना जाता है। करुणा सिंधु दीन दयाल भक्त वत्सल मैया सो गई मेरी माँ,
भगवान सत्य सत, ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। भगवान एक है, पर वह एक तत्व तीन भागों में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये तीनों रूप अलग अलग लीला करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी क्या करते हैं? संहार। हाँ, ये सृष्टि को बनाना, ये दुनिया को कौन बनाता है मेरी मां? ये सृष्टि संग बनाने वाले भगवान। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। तो कौन है ये दुनिया बनाने वाला? कौन है ये बनाने वाला? वह भगवान तीन भागों में डिवाइड हुए। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, किस रूप में बनाना? बनाने वाले कौन? नाम जोर से। ये दुनिया को बनाना, नाम लेना आप, हम कहेंगे, बनाना बिगाड़ना अब नाम आप लेंगे। ये दुनिया को बनाना कौन? बना के फिर चलाना। चलाना कौन? कौन? भगवान विष्णु। ये दुनिया को बनाना ब्रह्मा, बना के फिर चलाना विष्णु। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। आजी बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। दुनिया को बनाना, को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। जल पे है थल पे और आसमान में, जल पे है थल पे और थल पे आसमान है। जल पे है थल पे और थल पे आसमान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है। फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है। फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है। देखिए जरा किस पे क्या टिका है, किसी को पता नहीं चल रहा। पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पर किस पे कौन सा तत्व टिका हुआ है? जल पे है थल पे है, जल पे है थल और थल पे आसमान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है।
जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है, फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है। गजब का ये जहान है, बिन खंबे का मकान है, गजब का ये जहान है, बिन खंबे का मकान है। यहाँ का एक कड़कड़ जिसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, हाँ बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, अरे बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। तो भगवान का इंतजाम देखिए, बड़ा जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, कौन सा तत्व किस पर टिका हुआ है, कुछ आपको आइडिया है? किस तत्व से किस तत्व की उत्पत्ति होती है पता है आपको? कितने तत्व हैं जिनसे संसार बना है? पांच। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। फिर से दोहराओ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और ये पांच में ये बताओ सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले क्या बना भैया बताएंगे? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सब में पहले पांच तत्वों में पहला तत्व कौन सा बना? पहले पृथ्वी बनी, पहले क्या बना? हाँ क्या हम बताएं? तो ध्यान से सुनो, देखो कोई भी चीज बनाने के लिए पहले स्पेस चाहिए। क्या चाहिए? खाली स्थान। क्या चाहिए भाई? खाली स्थान होगा तभी ना उसमें कुछ कार्य होगा। तो खाली स्थान क्या है? आकाश। पहले क्या बना? क्योंकि आकाश खाली तो चाहिए ना, जगह तो चाहिए। तो जो खाली स्थान है, जहां जगह है, वही तो आकाश बोला जाएगा ना। घड़े में जो अंदर का खालीपन है वो आकाश है, वो आकाश तत्व बोला जाएगा। हाँ या ना? जैसे हमारे शरीर में भी जो खाली स्थान है, वहां जब गैस भर जाती है तो प्राणों की पड़ जाती है खाली स्थान में, इसलिए खाली स्थान मतलब सबसे पहले आकाश का निर्माण हुआ। फिर आकाश से क्या बना? आकाश से क्या बना? आकाश में सबसे ज्यादा क्या है? आप आकाश में यूं हाथ घुमाइए, घुमाइए, क्या निकल रही है? हवा। आकाश से क्या बनी? हवा। और जब हाथ घुमाएंगे तो हवा निकलेगी, पर हाथ घुमाने में होगा क्या? केवल हवा निकल रही है ये तो ठीक है, पर हाथ आपका क्या हो रहा है? गर्म। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, इसलिए अग्नि आप दिया जलाओ और उसे कांच से बिल्कुल ढक दो, तुरंत बुझ जाएगी। उसे वायु चाहिए, आग तब जलेगी जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी, हवा मिलेगी, क्योंकि वो उसी से निर्मित हुई है। अग्नि उस वायु से ही निर्मित हुई है। आकाश से वायु, वायु से उत्तर। समझ में आ रही है बात? आकाश से
वायु, ये इतना कठिन विषय में आपको समझा रहा हूं कि विज्ञान की पुस्तकें पढ़ोगे तो दिमाग चकरा जाएगा इतनी बात समझने में। साइंस में ये बातें बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझाई गई हैं और साइंस को अभी तक समझ में नहीं आया। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदांत पुराणों में बहुत पहले समझा दिया था कि इन पांच तत्वों में सबसे पहले क्या बना और प्रमाण के साथ। मैं आपको उदाहरण एग्जाम्पल देते चल रहा हूं, कोई आपसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि। अग्नि, अच्छा जब आप हाथ घुमाएंगे तो हवा निकलेगी तो हाथ गर्म होगा, तो जो गर्म हुआ गर्माहट वो अग्नि है, और अग्नि जब बनेगी तो क्या निकलेगा? पसीना, मींस पानी। अग्नि से पानी, अग्नि से जल। अग्नि से क्या निर्माण होता है? जल। ये बात सही है कि मैं और प्रमाण दूं इसका? चलो देखो, गर्मी जब आती है तो गर्मी मींस अग्नि हुई, गर्मी मींस अग्नि हुई, वही अग्नि समुद्र के पानी को वाष्पीकरण करती है और वही फिर उसे खारे पानी का वाष्पीकरण करके उसे मीठे में तब्दील। तो ये पूरा प्रोसेस अग्नि का है या नहीं? जो बारिश होती है वो किस आधार पर होती है भाई? पहले गर्मी आती है ना, पहले सीजन से समझो। सर्दी भी, अब देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये ठंडा मौसम होता है, मार्च ये ठंडी है, ठीक है, जाती हुई सर्दी मार्च में पूरी खत्म हो जाती है। अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया, अब यहां से गर्मियां चालू हो गई। अब गर्मियों में क्या होगा? पूरी तपन होगी, जरूरत से ज्यादा धूप, 50-55 डिग्री तापमान। फिर क्या होगा? पानी आप जरा सा डालो तुरंत उड़ जाएगा भाप बन के, तो वो अग्नि तो ले रही है ना, हाँ या ना, और उसे फिर बारिश, उसके बाद गर्मी के बाद क्या आएगी? तो फिर उसे बरसा देगी। यही सिस्टम है। तो आकाश से वायु, वायु से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से जल से जल से जब आप हाथ घुमाएंगे तो वायु निकलेगी, वायु निकलेगी तो हाथ गर्म होगा तो अग्नि, अग्नि निकलेगी तो पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा तो पसीने के साथ आपके मैल, पूरी बॉडी बिल्कुल मैल जो है निकल जाएगा। आप बनाएंगे तो गोल गोल, वो पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी है। जल से पृथ्वी जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसलिए पृथ्वी में पृथ्वी तत्व कम और जल तत्व, बोलो हाँ या ना। पृथ्वी में पानी ज्यादा है, जल ज्यादा और थल कम, लगभग 70% है ना थल। हम जब पढ़ते थे लगभग 71% लगभग, जब हम पढ़ते थे तब ऐसा, अभी भी ऐसे ही है क्या? हाँ, तब कई याद है हमें कुछ कुछ, बाकी फिर शास्त्रों में जब पढ़े तो ये चीजें और मिली हमें कि ये सृष्टि का क्रम इस तरह से चलता है। इस पृथ्वी में इसी से पांच तत्वों से सब कुछ बना। तो ब्रह्मा जी है सृष्टि उत्पन्न करने वाले, विष्णु जी पालन करने वाले, शंकर जी संहार करने वाले, इन तीनों को जोड़ दिया तो हो गया गॉड, जी ओ डी, गॉड। गॉड मतलब जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मींस ब्रह्मा, ऑपरेटर मींस विष्णु, डिस्ट्रॉयर मींस शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों को जोड़ा तो गॉड। गॉड का फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों का काम सृष्टि उत्पन्न पालन संहार।
जो एक शब्द में कह दिया गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान। कितने दुख होते हैं? तीन, दैहिक दैविक भौतिक। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करें, ऐसे भगवान को हम राधा कृष्ण, राधा सहित कृष्ण को नमस्कार। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव भगवान, सुखदेव भगवान का, सुखदेव भगवान श्री व्यास जी के पुत्र हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी रहस्यमयी है। आप इनके जन्म से परिचित हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, आज हम आपका परिचय जन्म से कराएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनिए, ध्यान लगाइए, चित्त लगा के सुनिएगा। देखिए, एक बार शंकर जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। ये घटना है अमरनाथ की। अमरनाथ के जंगलों में शंकर जी कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती सुन रही हैं। पर माता जी कथा सुनते सुनते सो गई, जैसा कि हमारी कुछ मैया लोग सो ही जाती हैं। जब सोई तो जहां शंकर जी कथा सुना रहे थे वहीं पर एक तोता था, छोटा शुक। तोता को शुक बोलते हैं। तो तोते ने सारी कथा सुन ली। अब तो शंकर जी ने देखा पार्वती जी सो रही हैं और तोता पार्वती जी की आवाज में हूका दे रहा है और शंकर जी आंखें बंद करके सुना रहे। कथा पूरी हुई तो आवाज लगाई शंकर जी ने जयकारा, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माता पार्वती की आंखें खुली, हां भोलेनाथ फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहां थी? हम सो गई थी। अच्छा, तो हुका कौन दे रहा था? अब शंकर जी घबराए कि मेरी कथा किसने चुरा ली भाई। छोटा सा तोता बैठा चिक 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 चहक रहा था। अब तो शंकर जी को गुस्सा आया कि इसने सुन ली चोरी से, त्रिशूल निकाला, मारने दौड़े। तोता भागा, भागते भागते वो अमरनाथ से बद्रीनाथ पहुंचा। बद्रीनाथ में वहां ब्यास गुफा में ब्यास जी की पत्नी सरस्वती नदी के तट पर स्नान करके अपने बाल सुलझा रही थी कि उन्हें जमहाई आती हैं और जमहाई आई तो मुख के दरवाजे से वह तोता मां के गर्भ में प्रवेश कर गया और तब तक शंकर जी आ गए। तो व्यास जी की पत्नी बोली आप यहां? शंकर जी बोले देवी हमारा एक चोर आया है यहां, हमारी कथा चोरी से सुन ली। तो व्यास जी की पत्नी बोली कि आपकी कौन सी कथा सुन ली? बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी ने कहा शंकर जी यदि आप उस तो पक्षी को मार दोगे और उसने अमर कथा सुन ली और यदि वो आपसे मर जाएगा तो फिर अमर कथा सुनने का मतलब क्या हुआ भाई? अमर कथा का मतलब तो व्यक्ति अमर हो जाए और आप मार दोगे तो महिमा खत्म हो जाएगी। शंकर जी बोले बात तो ठीक है। शंकर जी चुपचाप कैलाश चले गए। सच्चाई तो ये थी कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती मैया को तो निमित्त बनाया, पार्वती मैया को निमित्त बनाया। अब वह तोता अपनी मां के पेट में रहने लगा। रहते रहते एक साल हो गया, दो साल, चार साल, दस साल, बारह साल हो गए, वो तोता बाहर ही ना आवे। मां का पेट बड़ा हो गया। ब्यास जी देख रहे हैं कि पत्नी बड़ी दुखी है तो ब्यास जी अपने पुत्र से पेट से ही बात कर रहे हैं, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मां को बड़ी पीड़ा हो रही है और तुम भी मां के पेट में हो, बड़ा कष्ट हो रहा होगा, बाहर संसार में सुख है, आओ। अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों बेटा? बोले बाहर भगवान की माया रहती है,
बाहर कौन रहता है, बाहर कौन रहता है, बाहर कौन रहता है, भगवान की माया। अच्छा, माँ के पेट में भगवान की माया नहीं है, छोटे से बच्चे पर माया का प्रभाव, छोटा सा बच्चा है, कपड़ा पहना दो तो अच्छा, ना पहनाओ तो अच्छा, खाने दे दो तो अच्छा, ना दो तो अच्छा, छोटा बच्चा है, वो कोई डिमांड तो करता नहीं, उसे कोई फर्क नहीं, वो ये नहीं जानता कि ये मेरी माँ है, या उसे जो गोद में ले ले, जो दूध पिला दे, वो उसी के पास रह जाएगा। छोटा सा है ना, दो दिन चार दिन महीने भर का, वो नहीं जानता किसी को, हाँ या ना, उसे कोई माया नहीं घेरी। व्यास जी बोले बेटा बाहर आओ, सुखदेव जी बोले माया मुझे पकड़ लेगी। भैया ये माया कौन है, ये भगवान की माया क्या है, आप बताओ, किसे कहते हैं माया, नहीं आपकी पड़ोसन को, भैया बताओ माया किसे कहते हैं, ये भैया बताओ माया, ये भगवान की माया क्या है, ये माया उत्तर दो भैया, हाँ आपसे पूछ रहे हैं, उत्तर दो, माया किसे कहते हैं, हाँ जो भगवान के नाम का विस्मरण करे वो माया। ये टोपी वाले भैया बताएंगे, हमारे दादाजी, माया किसे कहते हैं, आप नहीं बताएंगे, क्यों गुस्सा है हमसे क्या, नहीं आप बताइए, बैठे 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 सारे लोग बैठे बैठे उत्तर देंगे। मैया, ओ पीली मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ, जाते जाते बता दो माया किसे कहते हैं, ये झोले में क्या है आपके माया किसे कहते हैं, बहुत कठिन भी नहीं है ये विषय, और बहुत सरल भी नहीं है ये विषय। माया किसे कहते हैं, ये मैया बताएंगी हमारी, ना बताओगी मैया, हाँ हम बता, मैया ये जूम कर रही है मोबाइल, मैया मैया बताएंगी वीडियो, हाँ मैया बता माया किसे कहते हैं, हाँ मैया बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ के सुनो आनंद से, और बताओ माया किसे कहते हैं, मोटापे को माया कहते हैं, मैया कह रही है मोटापा हो गया ये माया है ये मैया इस तरफ की बताएंगी हमारी, माया क्या है, ये तरफ की मैया, मैया माया, अरे सिंपल अभी तो बताई थी कुछ दिन पहले, जो है नहीं, दोहराओ, जो और जो हम बता रहे हैं भूल मत जाना, बहुत काम की बात बता रहे हैं, करोड़ रुपया खर्च करके भी तुम पाना चाहोगे तो ये ज्ञान करोड़ों में भी ना मिलेगा तुम्हें जो फ्री में मिल रहा है। माया किसे कहते हैं, हम बहुत कठिन कठिन परिभाषाओं को बिल्कुल आपके सरल भाषा में समझा देते हैं ताकि आपके समझ आ जाए। माया किसे कहते हैं, ये प्रश्न है तो उत्तर है कि जो है नहीं पर दिखाई पड़े, जो है नहीं, जो हो ना
पर दिखे जैसे जादूगर की जादू, जैसे जादूगर की जादूगर की जादू। जादूगर क्या करता है कि मिनटों में सब कुछ नोट ही नोट बना देगा, रस्सी का सांप बना देगा, आदमी को गायब कर देगा। उसकी जादू बिल्कुल दिखती अच्छा ऐसा हो गया, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बताओ, जैसा दिखता है वैसा यदि वो कर लेता तो वो भगवान नहीं हो जाता, वो जादूगर थोड़ी रहता। अब बहुत सारे जादूगर जादू से रुपया बना लेते हैं, रुपया तो जादूगर ही रुपया बना ले तो रिजर्व बैंक की क्या जरूरत है? हाँ या ना? लेकिन जादूगर बना लेता है, जादूगर रस्सी का सांप बना लेता है, लेकिन वो क्या है, सही है या नहीं? जादूगर की जादू दिखती तो बिल्कुल सही है, दिखती होती तो है, होती जैसी दिखती तो है, पर होती सच जैसी दिख रही है, बट सच। हाँ या ना? माया किसे कहते हैं? जैसे शाम के 6 बज रहे हैं, सूर्य अस्ताचल की ओर है कि तभी आपकी नजर रस्सी में पड़ी और धुंधला धुंधला आपको दिखा, आपको लगा सांप है, आपने रस्सी को क्या मान लिया है? क्या जोर से है क्या? लेकिन आपको चूंकि अंधेरा था, क्लियर दिखाई नहीं पड़ा, तो आपने क्या मान लिया? सांप है रस्सी और समझ रहे हो सांप, यही है माया। देखो अच्छा ये बताओ, रस्सी में सांप क्यों समझा आप लोगों ने? आप बताओ, रस्सी में आपको सांप की भ्रांति क्यों हुई, सांप की गलतफहमी क्यों हुई? अब भी बताया हूं, ध्यान से सुना होगा शब्द तो याद करो, क्यों हुई? इसका मतलब ध्यान से सुन नहीं रहे हैं आप लोग, क्योंकि अंधेरा था, प्रॉपर प्रकाश होता तो आपको रस्सी में रस्सी दिखाई पड़ती, सांप नहीं, लेकिन चूंकि धुंधला था, धुंधला धुंधला सूर्य अस्ताचल की ओर था ना, तो बिल्कुल ना उसे अंधेरा कहेंगे ना उसे उजेला कहेंगे, तो वो क्या था? वो जो धुंधला धुंधला समय था ना अस्ताचल का, ना तुम्हें सही पूरा दिख रहा है, ना आप ये कह सकते कि हमें नहीं दिख रहा है, और ना तो अभी आप ये कह सकते कि दिख तो रहा है पर क्लियर नहीं है, वही है, दिख तो रहा है पर क्लियर नहीं है, वही है माया, यही है माया। उसी माया के कारण, उसी अंधेरे के कारण आपने रस्सी को सांप समझ लिया। उसी तरह ये संसार क्या आपका है, अपना है? उत्तर दो, क्या ये संसार अपना है? क्या परिवार अपना है? क्या आपका क्या है? बच्चे किसके हैं फिर? आपके हैं बच्चे, आपके हैं। हाँ, और अभी क्या बोल रहे थे, अपना कुछ नहीं है, और अब भी बात आई तो नहीं, हमारी बच्चे हैं, चेक करा लो। यही है माया। आप लोग ये समझ लेते हैं कि ये मेरा है, और मेरा कब क्यों समझ में आया? जैसे रस्सी को सांप आपने अंधेरे में समझा है, उसी प्रकार ये संसार, ये परिवार, अरे परिवार संसार छोड़ दो भैया, ये बताओ ये शरीर आपका है? है, है, है? यदि है तो फिर चिता पे लोग जला क्यों देते हैं? तुम अपना शरीर लेके क्यों नहीं जाते? तुम्हारा शरीर है,
तुम आंखों में कम दिखने लगा, तुमने रोक क्यों नहीं लिया? फिर क्यों बहरे पड़ गए तुम बुढ़ापे में? क्यों लंगड़े हो गए तुम बुढ़ापे में? क्यों तुम्हारे बाल सफेद हो गए? तुम्हारा ही तो था तो रोक लेते ना, कि नहीं जी बाल तुम पकना मत, आंखें तुम बुढ़ी मत होना, तुम देखना छोड़ना मत। ये शरीर यदि आपका था तो आपने इसे समाप्त होने से रोका क्यों नहीं? निष्क्रिय होता रहा आपने, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब ये शरीर आपका धीरे धीरे, आपका शरीर आपको छोड़ रहा है। लड़कपन छूट गया तो जवानी का शरीर मिल गया, जवानी का शरीर छूटेगा तो बुढ़ापे का प्रवेश होगा, बुढ़ापे में आप प्रवेश होंगे, और बुढ़ापा छूटेगा तो सीधा जर्जरता आएगी, और जर्जरता छूटेगी तो सीधा खत्म। इसलिए आप ये बात समझो कि ये जो शरीर है ये भी अपना, आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शरीर भी अपना नहीं है, या आप में से कोई ये मानता है कि शरीर मेरा है? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि शरीर मेरा है? हाँ, मैया मानती हैं, ये मैया बोल रही है कि ये शरीर मेरा है, नहीं? ये शरीर यदि आप मान भी लो कि मेरा है तो माने बैठे रहो, तुम्हारे मानने से होगा क्या? तुम मान लो या मत मानो, तुम्हारे जाते लोग ले जाएंगे, चिता पे रखेंगे और आग लगाएंगे। तुम्हारी आंखों के सामने लोग जल गए कितने। इसलिए ये शरीर भी हमारा नहीं है, लेकिन हम मान क्या रहे हैं, ये मेरा है। आप लोग क्या कहते हैं, ये हाथ मेरा है, ये आंख मेरी है, डॉक्टर साहब मेरी आंख में दर्द है, मेरा पेट, मेरा शरीर, मेरा घुटना, मेरा सिर, आप क्या कहते हैं, ये मेरा है? क्यों कहते हैं आप? क्योंकि रस्सी को आपने सांप क्यों कहा? क्योंकि अंधेरा था। शरीर को आपने अपना क्यों मान लिया? क्योंकि माया है, यही माया है। जो आपका है नहीं, आपको अच्छे से पता है कि आपका नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरा, यही माया है। समझ में आई मैया? आपको अच्छे से पता है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि ये मेरा है। जो है नहीं पर दिखाई पड़ता है मेरा सा, वही माया है। समझ में आ रही है मेरी मां? इसलिए माया, मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल है ये माया। आप में से कितने लोग इस माया से बचना चाहते हैं? कितने लोग बचना चाहते हैं? तो इसका उपाय क्या है? अब इसका उपाय आप बताओ। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, ध्यान से सुनो मेरी मां, माया से बचना है तो उपाय एक है। एक मछुआरा था, वो पानी में जाल डालता था मछली पकड़ने के लिए। बहुत सी मछलियां उसके जाल में फंसी, पर एक मछली थी जो बार बार वो जाल डालता था पर मछली फंसी नहीं। जानते हो क्यों? बताओ क्यों नहीं फंसी वो मछली उसके जाल में? एक तालाब में, वो पूरे तालाब में जाल डाले लेकिन फिर भी वो मछली नहीं फंसी। एक मछली बार बार उसके जाल डालने पर भी वो मछली नहीं फंसी। बताओ वो मछली कहां थी कि नहीं फंसी? जो मछली मछुआरे से दूर थी
वो तो फंस गई, लेकिन वो मछली बड़ी समझदार थी, वो जानती थी कि मछुआरा आएगा तो जाल अपने से दूर डालेगा, इसलिए वो दौड़कर मछली उसके पास आ जाती, और जब वो जाल डालता तो जाल दूर डालता, मछुआरा जहां खड़ा होता उसके आसपास वो रही आती। तो जो मछली मछुआरे के चरणों का आश्रय लेती है वो बच जाती है, उसी तरह मछुआरा है भगवान, जो माया का जाल डाल के सबको फंसा रहा है, लेकिन जो उस परमात्मा की शरण में है वो माया के जाल से बच जाएगा। तो भगवान माया का जाल देखो सब पर पड़ा है, माया के जाल से वही बचेंगे जो भगवान की शरण में रहेंगे। चतुर मछली बच गई, ऐसे चतुर कौन है जो भगवान की शरण में है, उन्हें आप चतुर मानो, और जो भगवान की शरण में नहीं है उन्हें आप महामूर्ख मानो। वो बने बड़े कितने भी होशियार हों, पर वो बहुत बड़े मूर्ख हैं जो भगवान से दूर हैं, वो बहुत समझदार हैं जो भगवान के करीब हैं। समझ रही हो मेरी माँ भैया, समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है, सदा अपने आप को भगवान के करीब रखना है। भगवान के पास कभी ये मत सोचो कि हम भगवान से दूर हैं, तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ में, सदा अपने आप को भगवान के पास रखो और कहो हाँ। इतने पास रखो भगवान के कि आप बस ये कहो कि हमारे दो ही रिश्तेदार। इतने करीब के भगवान हमारे क्या बन जाएं? हमारे इतने करीब हो जाएं भगवान के, अब हमारे सिर्फ एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बाके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बताओ तुम्हारे कितने रिश्तेदार? ज्यादा रिश्तेदारी अच्छी नहीं, रिश्तेदारियों में उलझे रहेंगे तो भगवान में कब जाएंगे? ये दुनिया माया है, अपनी है नहीं, पर सारी जब तक जिंदा होते हमें क्या लगता है ये हमारा है, ये हमारा, ये हमारे हैं, लेकिन जिन्हें आप अपना मानते रहे वो सब बने रहे, लेकिन बस आप चले गए, और आप जब गए उन्हें लेकर ना जाओगे जिन्हें अपना कहते थे, तुमने जो पुण्य किया है वो संग जाएगा। हाँ हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बाके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, ओ एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, ओ दूजे बाप के बिहारी सरकार हमारे, ओ ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाप बिहारी, ओ सेठ हमारे बाप बिहारी, सेठ हमारे बाप बिहारी, ओ सेठ हमारे बाप बिहारी, सेठानी ब्रश भानु दुलारी, सेठानी ब्रश भानु दुलारी, सेठानी ब्रश भानु दुलारी, सेठानी ब्रश भानु दुलारी, ब्रश भानु दुलारी, सेठानी ब्रश भानु दुलारी, जो कोई जपता राधे राधे, 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 हो जाए भव से पार हमारे, हमारे हो हमारे, दो हमारे दो रिश्तेदार, हमारे दो रिश्तेदार। हर बात सामने इनकी मानी, 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 राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होते यहाँ उपचार हमारे, हो हमारे जहो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। किस किस को चिंताएं नहीं है, चिंताएं उन्हीं को नहीं होंगी जिनके मन में राधा नाम मेंशन होगा।
ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, 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 राधा नाम है दिल में मेंशन, 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 हरी सभा में कह सकते हैं हो, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार हमारे, हो हमारे हो हमारे दोहे रिश्तेदार, 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 एक हमारी राधा रानी, एक हमारी श्री राधा रानी, हो एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे माँ के बिहारी सरकार हमारे, हमारे जहो हमारे दोहे रिश्तेदार, 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 हमारे कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं I love you सरकार हमारे दोही रिश्तेदार, हमारे दोही रिश्तेदार, आपके बताओ कितने रिश्तेदार तुम्हारे, मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार, मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी और दूजे बाके बिहारी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, तो जब राधा नाम दिल में मेंशन हो गया तो आप क्यों नहीं अपना नाम श्री राधा रानी के चरणों में लिखवा देते, अर्थात आप अपना नाम भेज दीजिए माँ भगवती के चरणों में कि माँ
मुझ पापी को, मुझ पतित को भी स्वीकार कर लेना, और भक्तों की लिस्ट में कभी चरण रज गिराइएगा तो ये दास पर भी चरण धूली गिरा के कृतार्थ कीजिएगा। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान बोले कि मुझे माया पकड़ लेगी, माया पकड़ लेगी। तब व्यास जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप आकर इसे सांत्वना दो। तब व्यास जी ने, भगवान ने प्रकट होकर सुखदेव भगवान को कहा कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। ऐसे सुखदेव भगवान का जब जन्म हुआ, यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर राजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोष्मि। ऐसे सुखदेव भगवान जो जन्म लेते ही संन्यास लेने के लिए चल पड़े, विरह से आतुर होकर व्यास जी पुकार रहे हैं, पर सुखदेव भगवान रुके नहीं। ऐसे सुखदेव भगवान जो महामुनि हैं, महामुनि कृते, मुनियों के भी मुनि, जिनका मनन मुनि भी करते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हम सब नमस्कार करते हैं। 88,000 ऋषि, वही सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुनाए हैं व्यास जी ने। फिर श्लोक भागवत जी के कुछ रटा कर उन्हें अपने शिष्यों को कहा, ले आओ पढ़ने। वरहा पीडम नटवर वपुह का ध्यान सुना तो ध्यान से जागे तो, पर आए नहीं, पर अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार बार बार जब उन्होंने सुना कि भगवान बड़े दयालु, अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन बकी पूतना मारने आई, भगवान ने उसे तार दिया। तब सुखदेव भगवान ने भागवत जी का अध्ययन किया शिष्य लोक के बाद, और परीक्षित जी को भागवत सुनाया। राजा परीक्षित जी को श्राप लगा। शुकताल में राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। वही भागवत ये दास अनिरुद्ध आप सबको सुना रहा है, जिससे आप सबका, जैसे परीक्षित जी का कल्याण हुआ, ऐसे भागवत सुन करके आप सबका, हम सबका भी कल्याण होता है। 88,000 संत विराजमान है। नैमिषारण्य में के सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी आए, सब संतों ने प्रश्न किया, महाराज पहले तो प्रणाम किया, आसंदि बिठाया, पूजन किया। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, हमें कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत कोई मार्ग बताइए, साधन बताइए, ऐसा रास्ता बताइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो। अच्छा आप बताइए, कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है? इस कली काल में भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? भक्ति कैसे बढ़ती है? ज्ञान कैसे बढ़ता है? वैराग्य कैसे बढ़ता है? अरे भक्ति बढ़ाना हो तो भागवत सुनना पड़ेगी, कृष्ण को पाना है तो भागवत सुनना पड़ेगी। बिना भागवत सुने ना तो भक्ति मिलनी है, ना तो भगवान मिलने। इसलिए मूल में है सत्संग, भागवत भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी पुष्ट करने वाली भागवत जी है। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि तरसते हैं। एक बार नारद जी ने भी ये भागवत सुनी, सारे तीर्थों में गए, शांति पाने नहीं मिली। वृंदावन आए तो यहां उदास कन्या को देखा, देवी तुम कौन हो? बताया मैं भक्ति हूं। भक्ति महारानी उदास बैठी, ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े, क्यों? बोले कलयुग आ गया है। तब नारद जी ने कहा क्या करें? तब सनकादियों ने कहा कि भागवत सुनवाओ।
और जब हरिद्वार की पावन धरा पर नारद जी यजमान बने और सनकादि भागवत श्रवण कराए तब भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ भागवत सुनने से। भागवत के बिना भक्ति भी सुकून नहीं पाती तो भला हम और आप कैसे। आज का समाज बिगड़ क्यों गया, आजकल के यूथ बिगड़ क्यों गए, बच्चे बिगड़ क्यों गए, क्योंकि सत्संग से वंचित रह गए। किससे वंचित रह गए मैया, किससे वंचित रह गए? सत्संग। अच्छा देखो, दो ही चीजें हैं, या तो सत्संग है या तो कुसंग है। क्या क्या है? या तो आपके बच्चों को सत्संग मिल जाए तो वो सुधर जाए, आपको सत्संग मिल जाए तो आप सुधर जाओ, यदि सत्संग नहीं मिला तो कुसंग तो मुंह फाड़े बैठा ही है, फिर आप किसकी चपेट में आ जाएंगे? कुसंग। और कुसंग की चपेट में जरा सा आए, जरा सा नशा लगा तो फिर वो कुसंग क्या है। आजकल आपके बच्चे जब स्कूल पढ़ने गए थे तो आपका बच्चा कोई सिगरेट थोड़ी पीता था, गुटखा थोड़ी खाता था, पर पढ़ते 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 पता नहीं कहां उसने गुटखा भी सीख लिया, सिगरेट भी सीख लिया। कोई आपने तो कुसंग दिया नहीं सिगरेट गुटखा का शराब का, पर कुसंग तो मुंह फाड़े खड़ा है। बच्चे शराब पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, नशा चरस अफीम गांजा, कितना भयंकर नशा करते हैं आज के लड़के पता है आपको। गांव में तो छोटे छोटे 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे खूब बीड़ी पीते हैं और गुटखा खाते हैं, खूब गुटखा खाते हैं। उन बच्चों को ये नहीं पता किससे क्या नुकसान है, वो सबको खाते हुए देखते हैं तो वो समझते होंगे कि भाई अच्छी चीज है, और बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार और करते हैं तो उनको लगता है भाई ये कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, गुटखा खा रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम खाओ खा रहे हैं। पूरा देश बहुत अच्छी स्थिति नहीं है हमारे भारत की, हमारा भारत भी बहुत तेजी से नशे की ओर भाग रहा है, और नशा कोई भी हो सकता है, चाहे जुआ का नशा, चाहे पराई औरत पराई पुरुष का नशा, चाहे आपको सिगरेट शराब तंबाकू का नशा गांजा का नशा, और आजकल तो और भयंकर चरस अफीम स्मैक पता नहीं क्या क्या, हम नाम भी नहीं जानते, ऐसे ऐसे नशे आते हैं। ये सारे नशा आज का सारा यूथ गलत रास्ते पर चल पड़ा है, किसके कारण? सत्संग ना मिलने के कारण। जरूरत किसकी है? आप अपने बच्चों को आधा घंटा रोज भगवान की कथाएं सुनाओ, वो ना सुनना चाहे तो भी उनके कानों में जब कथाएं जाएंगी तो पहले दिन नहीं सुनेंगे, दूसरे धीरे धीरे रुचि बनेगी और वो चीजों को जानने की जिज्ञासा लेके आगे बढ़ेंगे और वो एक दिन समझ जाएंगे कि सत्संग की महिमा क्या है। आपके बच्चे जो साइंस में आज पढ़ रहे हैं वही चीज शास्त्रों में हजारों साल पहले पढ़ाई जा चुकी है, कोई नया आप नहीं पढ़ रहे हैं, कोई नई बातें नहीं बता रहे हैं आप। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में सब कुछ हजारों साल पहले लिख दिया, लाखों साल से लोग ये वेद पुराणों के बारे में सुन रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। इसलिए सत्संग से जोड़ो। तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधे की पुनिया। सत्संग बहुत जरूरी। सत्संग क्या? अच्छी बातें। सत्संग किसे कहते हैं? जो सत्य का संग करा दे वो सत्संग, सत्य ईश्वर है, जो ईश्वर से जोड़ दे वही सत्संग है, जो ईश्वर से जोड़ दे वो क्या है? सत्य का संग करा है ना, सत्संग, जो सत्य का संग, जो सत्य से जोड़ दे वो सत्संग है, और जो शराब से जोड़ दे वो क्या है, जो सिगरेट से जोड़ दे वो क्या है,
जो जुआ से जोड़ दे वो क्या है, गुटखा से जोड़ दे वो क्या है, कुसंग। ये कुसंग है। आपके बच्चे सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो कुसंग तो बिल्कुल खड़ा है तैयार। इसलिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को, मतलब 7-8 साल की आयु से बच्चों को कथाओं में ले जाने लगो, बैठाने लगो। 12-14 साल के होते होते वो कथाएं समझने लगेंगे। उन्हें बिगड़ने के पहले ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे लिए क्या रास्ता सही है और क्या रास्ता। आजकल समस्या माँ बाप से खड़ी है, बच्चों से नहीं खड़ी। समस्या माँ बाप से ये खड़ी है कि माँ बाप बच्चों को एक सही टाइमिंग में, सही उम्र में, सही एज में बच्चों को ये नहीं बता पाते कि उनके लिए क्या गलत है और क्या सही है। जब बच्चा बिगड़ जाता है तब माँ बाप को समझ, अरे बच्चा बिगड़ गया, अब नहीं सुन रहा किसी की, अब आप रोते हैं, फिर अब रोने से कुछ नहीं होगा। समय रहते बच्चों को पूजा कराते, सत्संग में लाते, भगवान के बारे में वो जानते, वो सही बात जानते। गुटखा खाना सही है कि गलत है ये बच्चों को 12 साल में सिखा दो। शराब पीना सही है कि गलत है ये बच्चों को 15 साल में समझा दो। नहीं समझाओगे, तुम नहीं समझा पाए तो तुम्हारा पड़ोसी समझा देगा कि यार एक पैक पीने में क्या जा रहा है, ये समझा देगा तुम्हारा पड़ोसी। कुछ लोग हमारे गांव में, कुछ गंजेड़ी हैं, तो गंजेड़ी लोग ना बैठ के गांजा पीते हैं, तो कुछ गांव के भले लोग भी जाके, मेरे जैसे कुछ लड़के जो मेरी उम्र के लड़के थे, वो जाके केवल वहां बैठने लग गए, वो पीते नहीं थे। रोका हमने कि भाई वहां ना बैठा करो, वो शराब, वो गांजा गंजेड़ी है। अरे महाराज हम थोड़ी पीते हैं, हम तो बस बैठते हैं। लो भैया बैठे बैठे गंजेड़ी का क्या काम, गंजेड़ी ने बनाई चिलम। आज आपसे शुरू करेंगे, लो एक कसाप लगाओ, जरा अपना प्रसाद बनाओ। गंजेड़ी लोग बहुत चतुर होते हैं, जो बिल्कुल नया आदमी होगा ना उसी से भोग लगवाएंगे। गंजेड़ी लोग भी गांजा भर के ना चिलम में, जो नया सीखा लड़का होता है ना, अभी शुरू शुरू जुड़ा है, ज्वाइनिंग किया है, कोचिंग गया जो पहली बार गंजेड़ियों की, तो गंजेड़ी लोगों से अपना भगवान बांधे, आप तो भगवान हो, नहीं नहीं भरती भाई हो, इसलिए पहली कस आप ही लगाओ, हम आपके ही प्रसाद लेंगे। वो भी चने के झाड़ में चढ़ जाता है कि सब हमारे चेले हो गए, वो भी एक सूटा मारता है। एक बार पिया उसे बहुत अच्छा बुरा कैसा लगता है ये तो वही जाने पीने वाला, लेकिन फिर क्या होता है, पहली बार में कोई भी चीज हमारी बॉडी स्वीकार नहीं करती, लेकिन जब वो आप रेगुलर देंगे तो बॉडी फिर उस चीज की आदी हो जाती है। तंबाकू आप ना मुंह पे रखिए तो आप बिल्कुल थूक देंगे उसे पहली बार में, पर आपने मन ही बना लिया खाने का तो फिर आप 2-3 बार रखेंगे तो चीज जीवा हमारी, मुंह हमारा उस चीज का आदि हो जाएगा। तो वो बॉडी मना करती है इन सब चीजों के लिए, गांजा के लिए मना करती है बॉडी, लेकिन आप देते हैं तो फिर बॉडी क्या करेगी, स्वीकार कर लेती उसे। धीरे धीरे वो व्यक्ति जो बैठते थे वो बहुत बड़े गंजेड़ी बन गए। मेरी उम्र के बहुत सारे लड़के, मैं अपने गांव की बात बताऊं, मेरी आयु के लड़के जो मेरे संग पढ़ते थे, मेरी क्लास से 2 क्लास ऊपर सीनियर थे या कुछ 1 क्लास नीचे थे, गांजे की लत में बड़े बड़े गंजेड़ी बन गए।
एक गंजेड़ी मेरे पास भी आया, मैं जब गांव में छोटा सा था तो एक गंजेड़ी मेरे पास पार्ले जी का बिस्किट, मैंने ये घटना सुनाया। देखो समाज किस तरह आपको बिगाड़ना चाहती है इसका भुक्त भोगी मैं स्वयं भी हूँ। एक बार मेरे गांव में, मैं शाम का समय था, गांव में एक चबूतरा होता है चौराहे में, वहां सब बैठते हैं, तो मैं भी वहीं बैठा था। तो मेरी उम्र के कुछ लड़के, हम दोस्त लोग बैठे थे, तो हमारे गांव का एक बहुत बड़ा गंजेड़ी है, फेमस बहुत बड़ा गंजेड़ी, वो गांजा कब से पी रहा है भगवान जाने, हम लोग जब से होश संभाले तब से उसे गांजा पीते ही देखते हैं। इतना बड़ा गंजेड़ी है कि पूछो मत। वो एक बार आया हमारे पास, हम बैठे थे लड़कों दोस्तों के साथ, तो वो गांजा की बिल्कुल भर के लाया चिलम, एक एक पार्ले जी का बिस्किट हम सारे बच्चों को बांटा उसने, और बोला कि एक एक बिस्किट और मिलेगा, एक एक पैकेट बिस्किट और मिलेगा, ये चिलम जो खाली करेगा उससे दो पैकेट मिलेगा। अब सोचिए उसने ऑफर क्या रखा बच्चों को, कि ये चिलम जो खाली करेगा उसे दो पैकेट बिस्किट। उस समय हमारी आयु रही होगी 13 साल। सोचिए हमारे जो बगल में दोस्त था उसने उसकी शर्त स्वीकार कर ली, उसने चिलम चढ़ाई, उसने मारा एक, उसको दो पैकेट दिया बाबा जी ने, उस व्यक्ति ने जो भी था वो, उस व्यक्ति ने दो पैकेट बिस्किट दिए और मैं उठ के वहां से भाग गया। मैंने नहीं लिए उसके बिस्किट, उसके बिस्किट वहीं फेंक दिए, भाग गया मैं। मैं भाग गया तो आपके पास बैठा हूं, और वो लोग नहीं भागे तो आज बहुत बड़े गंजेड़ी बने हैं। ये अंतर है कि कोई आपके पड़ोस में पता नहीं कौन क्या चाह रहा है, आपके बच्चे, आप तो अच्छे हो, बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन समाज का माहौल अच्छा नहीं है। आजकल लोग बनाना नहीं चाहते, सिर्फ बिगाड़ना चाहते। आपके बच्चों को वो पैसा खर्च करके भी बिगाड़ना चाह रहे हैं कि ये बस बिगड़ जाए इनके बच्चे। अब सोचिए वो बिस्किट खिला खिला के बिगाड़ रहा है। अब ये छोटे छोटे बच्चे, तो हम लोगों को उस समय क्या अक्कल थी बताओ, 13 साल 14 साल की आयु में क्या अक्कल होती, पीने लगते तो लोग आज बहुत गांजा पी रहे होते। इसमें हमारा आज भी मेरे उन दोस्तों का दोष नहीं है। मैं गांव के लोगों से बोलता हूं कि इस आदमी को जूते की माला क्यों नहीं पहनाते तुम लोग, तो गांव के लोग नहीं जी अब कौन बुराई मोल ले। तो फिर भी एक आदमी ने गांव के लगभग 95% गांव को बिगाड़ दिया, उस एक आदमी ने 95% गांव को बिगाड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे गांजा पीते हैं और अब कहो तो लड़ने लगते हैं वो लोग। इसलिए भैया बाढ़ में जाओ, हमें क्या करना, तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है। इसलिए समाज में हमने समझाया, उनको बताया कि ये गलत हो रहा है, अब गलत के खिलाफ हमने आवाज लगाई, अब उस आवाज को आपने नहीं सुनी, आपने इग्नोर कर दिया, तो हमारा धर्म था हमने पूरा किया। हमारा उद्देश्य है, काम है बताना समझाना, अब मानो ना मानो। समाज में आपके भी अड़ोस पड़ोस गांव खेड़े में ये लोग जरूर होंगे जो शराबी लोग आपके बच्चों को शराब फ्री में पिला रहे हैं, क्योंकि पहले फ्री में होता क्या है, वो पहले फ्री में गांजा पिलाए, पहले फ्री में वो दारू पिलाए, फिर बच्चे घर में चोरी करने लग जाते हैं, पिता के पैंट के जेब से पैसे निकालते हैं, उसको ला कर देते कि तुम गांजा लाओ, इससे तुम शराब लाओ, इसलिए बच्चा शराबी तो बन गया, नशेड़ी तो बन गया, साथ में चोर और बन गया। क्या बन गया? चोर भी बन गया। अब उसे जहां मिलेगा पैसा वो सारा भविष्य खत्म, खत्म है, लाइफ खत्म है, अब कोई काम के नहीं है, वो कोई काम के नहीं, अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाएंगे, वो उनके बाप दादों की जो संपत्ति होगी उससे वो बच्चों की फीस भी भर रहे हैं, वरना उनकी ये औकात नहीं है, ये हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चों की 1500 रुपए या 2000 रुपए या 3000 रुपए जो महीने की बच्चों की फीस है वो भी भर सकें।
ये स्थिति है आज समाज में नशा करने वालों की। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सत्संग से बच्चों को जोड़िए और बच्चों को लेकर थोड़ा सजग रहिए। जो आदमी जो लगे कि तुम्हारे बच्चे को लोग बिगाड़ रहे हैं, नशा की आदत डला रहे हैं, पता चल जाए तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करो ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूं कि एक आदमी ने गांव के 95% गांव को बिगाड़ दिया। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गांव में क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कसम खाए बैठे रहते हैं कि बस इनका बच्चा तैयार हो बस बिगाड़े। ये बात सही है कि गलत है? तो आपको क्या रहना है? सावधान। आजकल आपके स्कूल कॉलेज में कुछ दोस्त मिल जाते हैं, वो यही ठेका लिए रहते हैं कि बस हम तो सबको दोस्त बनाएंगे और दोस्ती के नाम में सबको शराब पिलाएंगे, सबको गांजा पिलाएंगे। मतलब गलत राह बताने वाले 99 हैं, सही राह बताने वाला कोई एक है, कहीं कोई एक है। इसलिए वो एक कौन है उसे पहचान लो। वो एक जो है आपके लिए सही सोचने वाला, आपको सही गाइड करने वाला, सही मार्गदर्शन करने, एक को पहचानो। यदि पहचान गए, समय जब रहता है ना तब समझ नहीं होती। ये बात समझिएगा, जब समय रहता है तो समझ नहीं होती और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। और जीवन में सफल वो हुए हैं जिनको समय रहते समझ आ गई है, जिनको समय रहते समझ नहीं आई वो बिगड़ गए, वो फ्लॉप हो गए, खत्म हो गए, सारा भविष्य खत्म। समय रहते क्या आना जरूरी है? समझ। समय रहते समझ। आजकल के लड़कों को जब समझ आती है तो समय चला जाता, और जब समय रहता है तब तक वो समझ नहीं आती। आजकल के लड़के यदि पैसा कमाने भी लगते हैं, बिफोर अपने अच्छी खासी पैसा कमाने भी लगते हैं, तो वो पैसा कमाते तो हैं पर खर्च कहां करते हैं। यदि आज के लड़का पैसा कमाने लग जाए तो एक बड़ी सी गाड़ी उठा के ले आएंगे और पूरी सड़क में फिर ऐसे धूम चलाएंगे, वो धूम बराबर धूम धूम है ना, गाड़ी ले आएंगे। ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो गाड़ी ले आएंगे, महंगे महंगे कपड़े पहनने लग जाएंगे, महंगा मोबाइल चलाने लग जाएंगे। ये दो कौड़ी के लड़के हैं, इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि पैसे का सदुपयोग कैसे किया जाता है। ये गाड़ी घोड़े में तुम पैसे उड़ा रहे हो, ये समझदारी नहीं है। अरे पैसे कमाने लग गए हो तो पैसे से पैसा बनाओ, पैसे से पैसे को बढ़ाओ। उसे गाड़ी घोड़े में यूं बर्बाद, मतलब की गाड़ी है जिससे आपका काम चलना, बोलो। शौक में मर रहे हो। देखो एक तो होती है जरूरत, मुझे गाड़ी की जरूरत है तो मैंने गाड़ी ली। एक आदमी गाड़ी जरूरत में नहीं ले, आजकल के लड़के गाड़ी जरूरत में नहीं लेते, शौक में लेते हैं। हाँ या ना, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी, पापा गाड़ी दिलाओ, पापा गाड़ी दिलाए तो बेटा गाड़ी में चलेगा। मूर्ख है ये बच्चे। हमारे बाप ने तो हमें साइकिल नहीं दिलवाई और ठीक नहीं दिलवाई, अब समझ में आता है, अच्छा नहीं दिलवाई। जितना तुम्हें हथौड़ा पड़ेंगे ना, जितना तुम बर्दाश्त करोगे चीजों को, जितना तरसोगे। मैं हर चीज को तरसता था, कपड़ों के लिए, कपड़े मेरे साल में एक जोड़ी आते थे बस, एक साल में एक जोड़ी, जब तक पैंट में पीछे छेद नहीं हो जाए बड़े बड़े दो, तब तक पिताजी पैंट नहीं दिलवाते थे दूसरा। तरसते थे हर चीज के लिए, जूता
ये 2 महीने तो नंगे पांव चलते थे, जब पांव के छाले दिखाते थे पिताजी को, देखो ये, तब वो एक जोड़ी जूते दिलवाते थे, और वो भी 50 रुपया वाले जो खेतों में पहन के जाना पड़ता था। गैया चराने के लिए जूते चाहिए, गैया चराते खेतों में और जूते नहीं होते थे, नंगे पांव चलते थे, 10-5 कांटे तो लगे ही रहते थे 12 महीने पांव में, फिर कांटे की गुखरू बन जाती थी इतना बड़ा वो, तब दिखाते थे देखो ये बन गया, तब वो जूते लाते थे, तरसते थे चीजों को, तब लगता था कि गलत है, पर अब लग रहा कि सही है। जितना हम तरसते हैं हम उतना चीजों की कीमत समझते हैं, और जितना तरसते नहीं है हम उन चीजों की कीमत नहीं समझते, हाँ या ना। इसलिए गरीबी जरूरी है, गरीबी इसलिए जरूरी है कि गरीबी नहीं होगी तो अमीरी का स्वाद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा। गरीबी यदि ना होगी तो अमीरी में व्यक्ति अभिमान में भर जाएगा, गरीबी से जो ऊपर आएगा वो अमीर जब बनेगा तो कभी अभिमान नहीं करेगा। बाप दादों की संपत्ति जो पा लेते हैं ना वो बेटे बड़े अमीर बाप की औलाद तो खूब अभिमान में रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद कमाता, मैं तो कहता हूं कि आप खूब अमीर बनना, लेकिन अमीर बनना और अपने बच्चों को ना केवल स्ट्रगल करना सिखाना, काबिल बनाओ, योग्य बनाओ और भेज दो, बाजार में उतार दो, जाओ कमाओ और खाओ, तुम्हें धन नहीं मिलेगा, कमाओ। जब वो अपने से करेंगे, खाएंगे, कमाएंगे और धन कमाएंगे, तब उन्हें उस धन की कीमत पता चलेगी कि धन क्या होता। यदि तुम यूं ही दे दोगे तो उड़ा देगा सारा। आज समाज में ऐसे कितनी औलादें हैं जो अपने बाप दादों का पैसा बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीद के ले आए और 2-5 साल में गाड़ी खत्म। इसलिए गरीबी यदि है तो अमीरी की कीमत समझ में आएगी। इसलिए गरीबी, अपने बच्चों को जीवन में स्ट्रगल, हर चीज मांगे बच्चे और आपने दिला दी, कैसे समझेंगे? थोड़ा रोना भी जरूरी होता है, थोड़ा चीजों के लिए तरसना भी जरूरी होता है, थोड़ा भूख लगने दीजिए। जरा भूख लगी और आपने खा लिया ना तो खाने में स्वाद नहीं आएगा, थोड़ा भूख लगने दीजिए। कड़ाके की भूख लगेगी तो भोजन का स्वाद बढ़ेगा, हाँ या ना। प्यास थोड़ा बढ़ने दीजिए, प्यास बढ़ेगी तो पानी का स्वाद मिलेगा, प्यास ही नहीं होगी तो पानी में स्वाद नहीं होगा। यदि भूख ही नहीं होगी तो भोजन में कोई स्वाद, हाँ। थोड़ा स्ट्रगल जरूरी है, मेहनत जरूरी है, बच्चों को तपना, जो जितना तपेगा उतना चमकेगा। तपो, हर जीवन में संकट से, अब ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, अपने जीवन में हर निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय और छोटे से छोटा निर्णय ये दास अनिरुद्ध खुद ही लेता है। आप यहां गौरी गोपाल आश्रम में जो भी देखते हैं, यहां का प्रत्येक निर्णय ये दास अनिरुद्ध को ही लेना पड़ता है। एक बच्चे को पढ़ाई वो कराओ, वो पढ़ाओ जिससे वो अपने जीवन में एक सही डिसीजन लेना सीखे, निर्णय तक पहुंचे। आजकल के बच्चे निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम डिसीजन क्या लें, ये डिसीजन हमारे लिए सही होगा या गलत होगा, ये तब तक सुनिश्चित नहीं होगा जब तक व्यक्ति का लक्ष्य निश्चित नहीं होगा। मेरा लक्ष्य निश्चित है इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई। आपके बच्चों का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं है इसलिए भटकाव है। याद रखिएगा, वो बच्चे ज्यादा भटकेंगे जिनका लक्ष्य निश्चित नहीं होगा। पहले अपना गोल तैयार करो, लक्ष्य क्या तैयार करना पड़ेगा, लक्ष्य क्या है, जाना कहां है, क्या बनना, डॉक्टर बनना, एडवोकेट बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना, जज बनना, क्या बनना है, किस फील्ड में जाना है। जिस फील्ड में जाना उसमें 100% डूब जाओ, खो जाओ उसमें,
उसके बाहर कुछ ना नजर आए तुम्हें। तुम जहां जाना, जिस फील्ड में जाओ, उस काम में खो जाओ, उस काम कितना बेहतर कर लो कि आपसे बेहतर दूसरा कोई कर ही ना सके, इतना बेहतर कर लो। कामयाब होने के मंत्र हैं ये आपके बच्चों के लिए। समय पर समझदारी तब आएगी जब सत्संग करेंगे। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को भागवत सुनवाते हैं। भागवत सुनते ही उनका दुख दूर हुआ। नारद जी ने एक बार कहा कि नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवा के उनका उद्धार तो करते हैं, पर नारद जी जब बैठे श्रोता बने तो वक्ता सनकादियों से प्रश्न कर लिया। भक्ति महारानी को भक्तों के हृदय में बिठाया, प्रकट हो गई। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुन के तर जाएगा, क्या पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनेगा तो वो तरेगा। कोई तरा धुंधकारी नाम का एक पापी, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, सभी वेदों के ज्ञानी। कहा तुंग भद्रा तटे पूर्वम, तुंग भद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम, पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी बड़े प्रेम से अपने पति पत्नी रहा करते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप किया पर पुत्र नहीं मिला। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते थे कि मेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। जैसे आप में से किसी को बेटा ना हो तो आप भी दुखी रहते हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अच्छा, बेटा नहीं होता ना कई बार किसी किसी का, क्यों नहीं होता बताओ, क्यों नहीं होता बेटा, आप बताओ, बेटा क्यों होता है किसी का और क्यों नहीं होता किसी का? दोनों के पीछे का कारण यह है कि बेटा होता है इसलिए कि वो पिता का कर्जा उतारने आता है। जिसके सिर पर ऋण है, कर्जा है, तो वो तो बेटा आएगा और पिता का ऋण चुका के चला जाएगा। तो जिसके सिर पर कर्जा था उसके तो बेटा आया, जिसके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं, भगवान को लगा कि इसके कर्जा है ही नहीं तो भेजने की जरूरत नहीं है बेटा बेटी, इसलिए ईश्वर ने उसे मुक्त रखा है संसार के हर दुख पीड़ा कष्ट से। लेकिन आप लोगों को लगता है कि सबके हो रहे हैं तो हमारे भी होने चाहिए। आप तो व्यवहार में जीते हैं ना, आपको लगता है सबके हो रहा हमारे भी होना चाहिए, लेकिन आप ईश्वर के विधान को समझते नहीं हैं। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि अच्छे के लिए है, सुख आए समझ लेना कि भगवान हमसे अच्छे कार्य कराना चाह रहे हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जब भीख मांगता था, जब चीजों को हम तरसते थे तो भी ईश्वर की कृपा मानते थे, और आज ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो उसका दिया उसकी कृपा है, इसलिए समाज की सेवा, हमें लगा कि ईश्वर ने ये इसलिए दिया है कि तुम समाज की सेवा करो, इसलिए समाज की सेवा में ये दास समर्पित कर रहा है। तब नहीं था तो भगवान से शिकायत, कोई रोना नहीं था कि रोते थे, नहीं रोते तब भी खुश थे, और आज ईश्वर ने सब दिया है तो भी ईश्वर का जो दिया है तो ये मानते हैं कि ईश्वर ने समाज की सेवा के लिए दिया है, तो
तो सेवा में लगे। हम इस बात का घमंड नहीं पालते कि ये हमारा है। हम कभी सपने में नहीं मानते किसी चीज को कि हमारा हमारा ये हाथ भी नहीं है, हमारी ये आंख भी नहीं है। हम जिस वाणी से बोल रहे हैं ये वाणी भी हमारी नहीं है। भगवान बुला रहे हैं तो बोल रहे हैं, वो नहीं बुलाएंगे तो आदमी गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। यदि ईश्वर ना चाहे तो आज ही मेरे पास एक मैया एक बच्चे को लेकर आई, बोली महाराज जी ये खूब अच्छा बोलता था, बोलते बोलते अपने आप चुप हो गया, अब कुछ भी नहीं बोलता, अब बताओ इसका। ऐसा कितने केस आपने देखे होंगे, आदमी बोलता है फिर बोलता बोलता नहीं बोलता, एक शब्द बोलने को तरस जाता है, हाँ या ना। तो ये जो तुम्हारी वाणी है ये हमारे तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है, ये तो भगवान बुला रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, आप बुला रहे हैं, ईश्वर बुला रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। वरना तुम्हारी हिम्मत क्या कि तुम एक शब्द बोल लो। कितने लोग हैं जो एक एक शब्द को बोलने के लिए तड़प रहे हैं, गूंगे हैं, गूंगे नहीं बोल पा रहे। कितने लोग हैं जो एक शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं, सुनने के लिए। इसलिए ये कोई मेरे घर की खेती थोड़ी है, कोई मेरे बाप का थोड़ी है कि मेरे ये सब मेरा है, मेरा नहीं है। ये शरीर भी ईश्वर का दिया है, इसलिए आपके पास जो है उसे अपने बाप की बफौती ना मान लेना, जो है वो मेरे बिहारी जी का दिया हुआ है, इसलिए जो उन्होंने दिया तो उनकी सेवा में लगे। मैं अपने आप को मालिक ना मान लूं, मैं तो तब भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूं। और क्योंकि भिखारी इसलिए क्योंकि दाता भगवान, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, हम भिखारी ही हैं। इसलिए इस बात का घमंड कभी ना पालो कि मैं कुछ करता हूं या मैं कुछ करती हूं, हम सबसे भगवान कराते हैं। हम सबसे भगवान क्या करते हैं, कराते हैं। हम करने वाले नहीं हैं, हम निमित्त हैं। मुझे पता है, मुझे एक बार बहुत पहले मेरी भी आवाज चली गई थी, बहुत पहले मैं भागवत सुनाने गया था और सुनाते सुनाते पता नहीं क्या हुआ कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, गला बिल्कुल चोक सा हो गया था, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो बहुत शुरुआती दौर का वो समय था। ईश्वर ने हर दौर से गुजार के बिल्कुल मजबूत करके रखा है, शायद ये सेवा करानी थी भगवान को, इसलिए खूब तपा करके ईश्वर ने मजबूत किया है, खूब तपाया है। भगवान जब जीवन में आपको कष्ट दें तो समझ लेना कि आपको तपा रहे हैं किसी बड़े काम के लिए, बड़ी जिम्मेदारी के लिए। इसलिए घबराना मत, उन दुखों को हंसते हंसते उठाना। एक एक शब्द के लिए मैं खुद कई बार, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, गले में कफ हो जाता है, तेजी से शब्द नहीं निकलते। एक एक शब्द बोलने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती मैं जानता हूं। तो मुझे पता है कि ये भगवान ही सब करा रहे हैं, वरना मेरी हैसियत तो एक शब्द बोलने की भी नहीं। इसलिए अभिमान, जो लोग अभिमान करते हैं वो बच्चे हैं, जो अभिमान करते हैं वो अभी बच्चे हैं। उन्हें ये समझ नहीं है कि बेटा जिस चीज का तुम अभिमान कर रहे हो, आप लोग संसार के एक अलग नजरिए से देखते हैं, पर ये संसार को ये दास अनिरुद्ध एक अलग नजरिए से देखता है। आप लोग किस नजरिए से देखते हैं आपको अच्छे से पता है, मैं किस नजरिए से देखता हूं मुझे अच्छे से पता है। मैं इस नजरिए से देखता हूं
कि मैं बस कुछ दिन का मेहमान हूं। मैं संसार को, इस शरीर को किस नजरिए से देखता हूं कि बस मैं यहां कुछ दिन का। आप में से कितने लोग कुछ दिन के मेहमान बनकर संसार में आए हैं? ये सबको पता है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं। आप इसे याद थोड़ी रखते हैं, भूल गए हैं। आप ये भूल गए हैं कि आपको एक दिन मरना भी है। पर हम हमेशा ये याद रखते हैं कि बेटा अनिरुद्धाचार्य चलना भी है, कोई यहीं थोड़ी रहना है, यहां बसना नहीं है। हाँ, हम यहां के नहीं हैं, हम वहां के हैं। हम कौन मुसाफिर हैं, हम तो मुसाफिर हैं, हम तो चले जा रहे हैं। मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं। बड़ा ही सुहाना भजन का सफर है। ये तो भजन करने, भक्ति करने आए हैं, ये यात्रा है। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं। बड़ा ही सुहाना भजन का सफर है। पता पूछते हो तो बस इतना पता है, हमारा ठिकाना प्रभु का ही घर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना प्रभु का ही घर है। मुसाफिर हैं हम तो भजन ही हमारा अनोखा जहां है, अनोखा जहां है। भजन ही हमारा अनोखा जहां है, अनोखा जहां है। इसे जो भी सुनता है वो ही झूमता है, वो जादू है इसमें कुछ ऐसा असर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना प्रभु का ही घर है। मुसाफिर हैं हम तो। तो हम कौन हैं? मुसाफिर। कौन से मुसाफिर? ऐ मन मुसाफिर,
निकलना पड़ेगा। ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर है हम तो। ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। आप में से कितने को ये खाली करना पड़ेगा? सबको। तो आप लोग ऐसे जीते हो जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, और हम ऐसे जीते हैं कि हम तो मर जाएंगे। तो दोनों के जीने में अंतर है ना। हाँ, इसलिए आनंद से रहना है तो संसार में रहो मस्ती से, लेकिन संसार को अपना ना मानो। ये रहने का फॉर्मूला है संसार में। जो अपना मान के रहेगा वो सदा दुखी रहेगा। आत्मदेव जी के संतान नहीं थी, दुखी थे, परेशान थे, छोड़ दिया मन सबसे। आत्मदेव जी बेटे बेटी से मन हटाए। एक दिन पड़ोसी आया, बोले आपके कोई बेटा नहीं है इसलिए तुलसी सूख गई। आत्मदेव जी बेचारे घर से निकल गए, संत जी मिले। संत जी ने कहा काहे रो रहे हो? बोले बेटे के लिए। बहुत समझाया कि बेटे के चक्कर में ना पड़ो, बेटे से कोई सुख नहीं होना। अच्छा, जिसे सुख होना होता है ना उसे यूं ही सुख मिल जाता है, और जिसे सुख नहीं मिलना होता, कितना भी बढ़िया बेटा हो और कितने भी बेटे हो, सुख दुख आपको बेटा बेटी से नहीं मिलता, सुख दुख आपको अच्छे और बुरे कर्मों से मिलता है। जितने अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा सुख मिलेगा। अच्छा, बेटा बेटी में ही सुख है क्या? भैया बताओ, मीराबाई के कोई बेटा बेटी था? नहीं। क्या मीरा को सुख नहीं मिला? मीरा को भगवान के भजन में सुख है। ये तो सबके अपने देखो संतुष्टि की बात है। एक गरीब आदमी साइकिल खरीद के लाता है ना, जिस दिन साइकिल खरीद के लाता है वो चलाता साइकिल, बहुत सुख उसे मिलता। वाह, कि तभी कोई करोड़पति आदमी एक बड़ी मर्सिडीज खरीद के लाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया की। तो 2 करोड़ की गाड़ी में बैठकर भी वो शायद इतना खुश ना हो जितना एक सामान्य आदमी साइकिल में ही खुशियां मना रहा है। अपनी पत्नी को घरवाली को पीछे बिठालता और चल घुमा के लाता हूं। हाँ या ना? तो सुखी होने के लिए गाड़ियों की जरूरत नहीं है, सुखी होने के लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, और उस जीवन साथी में विश्वास हो और प्रेम हो। हाँ या ना? फिर आप घास की झोपड़ी में रहो तो भी आप खुश रह लेंगे यदि प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है तो महलों में भी आप रोते नजर आएंगे। हाँ या ना? इसलिए आप लोगों ने यह सोच लिया है कि पैसों में सुख है, निकाल दो अपने मन से। भगवान करे आपके पास बहुत पैसा हो, आप खूब पैसा कमाओ। हम तो ये चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन उस पैसे वो पैसा मिल भी जाए तो पैसे में दिल मत लगाना। मिल जाए तो जैसे ये दास अनिरुद्ध समाज की सेवा कर रहा है धन से, धर्म आप भी धन मिल जाए तो दीन दुखियों की सेवा में लगाइएगा, सेवा कीजिएगा। क्योंकि बांध कर ना मैं ले जाऊंगा ना तो बांध कर आप ले जाएंगे। सेवा कीजिएगा। आत्मदेव जी बेटा चाहते हैं, जो बेटा चाहेगा
इस संसार में दुखी वो है जिसे कुछ चाहिए। जरा एक सिद्धांत समझो, यदि आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आपको दुख क्यों आएगा? एक फॉर एग्जाम्पल थोड़ा इमेजिन करो कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा मेरे संग जरा कॉपरेट करो, थोड़ा आंखें बंद करो सभी लोग और एक इमेजिन करो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा थोड़ा फील करो, भाव बनाओ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है, जो है बहुत है, अब कुछ भी नहीं चाहिए। सोचिए कि जब आप अपने आप से ये कहना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे पास बहुत है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है, जब आप ये कहने लग जाएंगे तो अपने आप आपके अंदर प्रसन्नता का जन्म होने लग जाएगा, खुशी का जन्म होने लग जाएगा। और जब आप ये कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये और चाहिए, तो आपके अंदर की खुशी मर जाती है। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली चीजें हैं ये, हम कोई हवा में लाठियां नहीं मारते। जहां आपकी इच्छा ने जन्म लिया वहां खुशी नाम की लड़की मर गई, और जहां इच्छा खत्म हुई वहीं खुशी का जन्म हुआ। प्रसन्नता, प्रसन्नता कहां है? उत्तर दो। प्रसन्नता चाह में है, इच्छा में है, या निष्कामता में है? एक है काम मतलब इच्छा, एक है निष्काम मतलब कोई इच्छा नहीं। तो प्रसन्नता किसके साथ रहती है? जहां कामना है वहां प्रसन्नता होगी, यहां जहां कामना नहीं है वहां प्रसन्नता होगी? उत्तर दो। कुछ भी नहीं चाहिए हमें, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए उस दिन आप प्रसन्न हो जाएंगे, हैप्पी है। और आपके अंदर कामनाएं हैं, जितनी कामनाएं उतना दुख, तो आपको दुखी कौन करता है? जोर से, थोड़ा और जोर से, आपके अंदर की कामना, इच्छा। इसलिए समझदार लोग अपनी खुशी बढ़ाने के लिए अपनी कामनाओं को खत्म कर देते हैं, अपने आप वो खुश हो जाते हैं। संत लोग क्या करते हैं? चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ चाहिए तो हमें आपके आगे पीछे चलना पड़ेगा। नेताजी को आपसे वोट चाहिए तो नेताजी को हाथ जोड़ना पड़ेगा, पर जिसे वोट चाहिए ही नहीं वो काय को हाथ जोड़ेगा तुम्हारे? बताओ, आपके हाथ कौन जोड़ेगा? जिसे आपसे कुछ, और जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए वो आपके हाथ क्यों जोड़ेगा? बोलो हाँ या ना। तो आपको इच्छाएं परेशान कर रही हैं, दुख दे रही हैं। इसलिए समझदार वो नहीं है जो इच्छाएं पूरी करने में लग जाए। पूरी करने बैठोगे इच्छाओं को तो लंकापति रावण इच्छाएं पूरी ना कर पाया। तुम्हारी हिम्मत कितनी है कि तुम पूरी कर लोगे इच्छाएं? तुम्हारे बाप दादे मर गए इच्छाएं पूरी कर करके, उनकी ना हो पाई, अब तुम लगे हो तुम्हारी ना हो पाएंगी। इसलिए इच्छाओं को ही समाप्त जिस दिन कर दोगे उस दिन आप सबसे सुखी व्यक्ति होंगे। अच्छा बताओ, रावण के अंदर इच्छाएं हैं या नहीं? हाँ या ना, जोर से मैया, थोड़ा जोर बोलो मेरी माँ, जोर से मैया, पीली मैया जा रही हो मेरी माँ, गुस्सा हो गई क्या? हमने आपसे बात नहीं की इसलिए गुस्सा हो गई क्या? टाटा अच्छा टाटा, जल्दी आना मेरी माँ। अच्छा सुनो, रावण के अंदर इच्छाएं हैं ना, हाँ या ना? और राम के अंदर इच्छाएं हैं, हाँ या ना? जोर से हाँ, रावण के अंदर इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं,
इसलिए तो दूसरे की पत्नी भी चुराता है। और राम के अंदर इच्छाएं नहीं है, इसलिए अपना सिंहासन अपने भाई के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इच्छा होती तो राम जी कैकेयी माता पर केस कर देते, नहीं मैं क्यों छोड़ू, मेरा बाप कह रहा कि मैं राजा बनूंगा, मैं आपकी बात क्यों मानू, आप तो मेरी सौतेली माँ हो, कोई सगी माँ थोड़ी हो। हाँ या ना, राम जी के अंदर इच्छा है, राम जी को महलों में रख दो तो वो खुश और झोपड़ी में रख दो तो खुश, राम की कोई इच्छा ही नहीं, आप हमें हलवा पकौड़ी खवाओ तो खुश और सूखे चने खवा दो तो खुश, क्योंकि ना हलवा की इच्छा थी ना चने की, जो आप मिल जो मिल गया वो खा लिया, इच्छा ही नहीं। जैसी मेरे खाने पीने की कोई विशेष इच्छा नहीं होती, पेट भरना है भर लिया, जो मिल जाए खाने पीने योग्य भोग लग जाए ठाकुर जी को, ना बिस्तर की इच्छा है, जमीन मिल जाए जमीन में सो जाएं, पलंग है पलंग में सो जाएं, बोरा बिछा है बोरे में सो जाएं, कोई ये इच्छा नहीं कि यही होना चाहे, ना ना कोई इच्छा नहीं। इसलिए जीवन में सुखी हो सकता है, इसलिए दास अनिरुद्ध आपको प्रसन्न दिखता है कि नहीं, हम आपको दुखी दिखते हैं कि खुश दिखते हैं, कैसे दिखते हैं आपको, क्यों दिखते हैं? हमारे अंदर जिस दिन इच्छा आ जाएगी ना, उस दिन हम भी आपकी तरह से बैठे रहेंगे मुंह फुला। आप लोगों की तरह जिस दिन इच्छाएं आ गई तो मुंह फूल जाएगा, इसलिए इच्छाएं रखते ही नहीं। एक क्या इच्छा है बताइए, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, इच्छाएं केवल ये हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं वो सेवाएं चलती रहें, यहां सबको भरपेट भोजन मिलता है होता रहे, और ये भी ठीक है भगवान जब तक चलाना चाहे भगवान की इच्छा चलाए, ना चलाना चाहे ना चलाए, मर्जी काम आपका प्रभु आप जानो, आपका काम जानो, हम टेंशन क्यों पालें किसी चीज की, कराओ तो आप कराओ ना कराओ तो आप मत कराओ। हम क्यों टेंशन पालें, हम तो आपका गुणगान करेंगे आपका नाम जपेंगे, आप जैसे रखना जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, इच्छाएं नहीं। क्या नहीं करेंगे आज से जोर से, इच्छाएं नहीं करने से क्या होता है, प्रसन्नता होती है, और इच्छाएं करने से क्या होता है, दुख मिलता है। दुख का सबसे बड़ा कारण है जो व्यक्ति दुखी है, समझ लो कि इसके अंदर कोई इच्छा है, क्योंकि बिना इच्छा के दुखी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कोई स्त्री रो रही है, कोई पुरुष रो रहा है, समझ लो इच्छा है, चाहे वो कृष्ण को पाने की ही इच्छा क्यों ना हो, वो कृष्ण की इच्छा ही क्यों ना हो, पर इच्छा से ही आंसू आएंगे, बिना इच्छा के आंसू आ नहीं सकते। ये संसार में लोग रोते नजर आ रहे हैं, किसी को बेटे की इच्छा है, किसी को परिवार की इच्छा है, किसी को पत्नी की इच्छा है, किसी को जमीन जायदाद की इच्छा है, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए कछु लेना ना देना मगन रहना, कछु लेना ना मगन, इसलिए कहता हूं निष्काम बनो। प्रहलाद जी कैसे थे, मीरा कैसी है, जोर से निष्काम। भरत जी कैसे हैं, अयोध्या के सिंहासन को छोड़ दिया, क्योंकि भरत जी भी राम की तरह निष्काम है, कोई कामना नहीं, मां ने तो ऑप्शन रखा था राजा बनने का, नहीं भरत जी नहीं बने। इसलिए आपसे कहता हूं निष्काम रहो, हर स्थिति में प्रसन्न रहो, भगवान का काम भगवान करा लेते हैं, बस
गौरी गोपाल आश्रम गोविंद का आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम गौरी गोपाल भगवान का आश्रम है। जो यहाँ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जितने लोग यहाँ की सेवाओं से जुड़ रहे हैं वो भी भगवान की प्रेरणा से ही जुड़ रहे हैं। भगवान आपको प्रेरित करते हैं तो आप जुड़ते हैं, इसलिए ये ईश्वर का गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं जब आप करते हैं तो आप ये मान के करो कि ये ईश्वर की ईश्वर का आदेश है कि आपको किसी एक वृद्ध मां को गोद लेना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में एक दिन का अन्न क्षेत्र आपको कराना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत भोजन करते हैं, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप इसलिए कराओ क्योंकि ये कार्य भगवान का है, ये करने कराने वाले भगवान हैं, आप और हम निमित्त हैं, तो हम जो सहयोग करेंगे वो भगवान का सहयोग करेंगे क्योंकि ये इच्छा भगवान की है कि गौरी गोपाल आश्रम में साधु सेवा हो। पूरे वृंदावन में आज भरपेट भोजन किसी को मिल रहा है, साधु संतों से लेके आम जनता से लेकर, तो पूरे वृंदावन में आप देख लो, आप आए होंगे वृंदावन का, आपने दर्शन किया होगा, पूरे वृंदावन में एक गौरी गोपाल भगवान की रसोई ऐसी है जहां कभी भी कोई आवे तो पेट भर भोजन भगवान आपको दे रहे हैं। तो ये सेवा किसकी है, ये आश्रम किसका, गौरी गोपाल भगवान का, और ये सेवा कराने वाले कौन है, भगवान। तो इस सेवा से जब आप जुड़ते हैं तो डायरेक्ट भगवान के कार्य से जुड़ रहे हैं कि नहीं, तो बस यहां पर कर्ता धर्ता भगवान है, वो ही संभाल रहे हैं सारा कार्य। और आप लोग भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाकर हजारों संतों को जो यहाँ भोजन करने आते हैं साधु संत, आप भी एक संत को 11 संत को 51 संत को भोजन देकर आप भी अपने बच्चों के जन्मदिन अपनी शादी की सालगिरह पुण्यतिथि पर ये संतों की सेवा कर लो ताकि संतों को अन्नदान करने का पुण्य प्राप्त हो और आपको भोजन देने का फल प्राप्त हो जिससे आपके जीवन में सुख शांति बढ़े, बच्चों की आयु लंबी हो, बच्चों का यश कीर्ति बढ़े, पूर्वजों को पुण्य प्राप्त हो, बुजुर्गों पर कृपा बनी रहे। इसलिए एक दिन का अन्न क्षेत्र आप करा लिया करो। ये एक दिन संतों ने हमसे कहा कि बेटा अनिरुद्ध, ये संतों को भोजन तो मिल जाता है, रहने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की भी कोई आप प्रयास करो। हमने कहा जरूर संत भगवान करेंगे। तो गौरी गोपाल आश्रम में अब संतों के भोजन तो मिल ही रहा है संतों को, अब संतों को रहने के लिए, जो अभी वर्तमान में संतों को रहने के लिए कोई बढ़िया सा संत निवास नहीं है जहां संत रह सकें, संतों को बड़ी दिक्कत जाती है, तो संतों को भी रहने को स्थान प्राप्त हो। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि संतों को रहने का भी एक संत निवास बने, तो आप भी इस संत निवास में, गौरी गोपाल संत निवास बनने जा रहा है जहां पर हजारों संत रह करके अपना भजन करेंगे, तो आप भी संतों के लिए एक गज भूमि दो गज भूमि आप देकर संत निवास में सहयोगी बन सकते हैं। आप भी संतों के लिए संत निवास के लिए भूमि दान कर सकते हैं। यहाँ गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है अखंड। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई है रसोई में, अच्छी लगी प्रसादी, पैसा लगा कुछ, सबको निःशुल्क प्रसादी मिलती है, बताओ इससे बड़ी सेवा संसार में कुछ होगी। भूखे को रोटी देने से बड़ी धरती में कोई सेवा नहीं, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अन्नम ब्रह्म, अन्न को ही ईश्वर माना गया है, अन्न के बिना प्राण रहेंगे क्या, तो अन्न ही ईश्वर है, हाँ या ना, इसलिए अन्नदान करो। आप भी एक दिन का प्रसाद रसोई में बंटवाओ और यहाँ के कार्य से जुड़ो। ये सेवा भगवान की है साहब, ये हमारी और आपकी मत समझ लेना, हम जैसे पापी क्या कर पाएंगे जीवन में, कुछ नहीं, भगवान हमें और आपको निमित्त बनाकर कुछ करा लेते हैं। इसलिए एक दिन की प्रसादी आप भी अपनी ओर से बंटवाओ अपनी बेटी बेटे के जन्मदिन में, और आप भी सेवाओं से जुड़ो। आपने प्रसादी ग्रहण की है
कोशिश कीजिए कि आपके सहयोग से कोई और भी ग्रहण करे, थोड़ा सा ही सहयोग। आप ज्यादा मत दो तो एक मुट्ठी नमक देने लायक बनाया विधाता ने, तो मुट्ठी भर नमक की सेवा करो, पर करो। एक रुपए देने लायक बनाया मालिक ने, ईश्वर ने, एक रुपए दो पर सहयोग जरूर करो। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, 275 माताएं हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन लाभ लिया माओ का? नहीं किया हो तो सामने गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, यहां भी ये वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाएंगे तो यहां भी माताओं का दर्शन होगा। यहां 275 माएं रहती हैं, वो माएं जिन माओ के बेटे घर से निकाल देते हैं, सेवा नहीं करते। जो माँ अपने मेहनत मजदूरी कर करके कमा कमा बच्चों को देती, लेकिन बच्चे भगा देते हैं अपनी माओ को। ये माँ है आपके सामने, आज मैं आपका परिचय माँ से कराऊं। ये माँ है, ये माँ अपने बुढ़ापे में कमा कमा के पैसा बच्चे को देती। जब तक देती तब तक तो ठीक, नहीं दिया तो बेटे का व्यवहार बदल गया। कहां से आई हो मेरी माँ? दिल्ली से। दिल्ली से। कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा, पहली वाली का बेटा नहीं हुआ। एक बेटा है तो आप, तो बेटा है तो सेवा नहीं करता आपकी? नहीं करता, बहू मारती है, बाल पार पार कर मारती है। बहू मारती है आपको? जी। बेटा कुछ नहीं कहता, कहता तेरी गलती है, हमें पैसे ला कर दे, नहीं तो हम भाग जा सकते हैं। कहिए भैया। बेटा ऐसा बोलता है कि हमें पैसे ला कर दो? तो हमारी कमाई खा रही, कब से खा रही है, जैसे तेरी तू तेरे पापा ने छोड़ा तब से खा रही है हमारी कमाई। आपके एक पैसा नहीं देती तो मारता पीटता, धर्म भी अभी भी मारते हैं, पोता बोलता है तो पोते को मारता है। मतलब आपकी बहू भी आपको मारती है, बेटा भी आपको मारता है? देखो, बहू बेटा दोनों माँ को मारते हैं, बाल पकड़ के मारते हैं, और खाने खाने पीने को देते हैं ठीक से? नहीं नहीं देते। मैं जब तुम जैसे सभी मांग मांग कर गुजारा करती हूँ। हाथ तोड़ दिया बहू ने, हाथ टूटा हुआ, मेरा काम नहीं होता कुछ भी। मेरे को जहाँ लाया गया, किसी ने बताया था कमा चल जाओ गौरी आश्रम में, पता कर लो। फिर वो लाई थी औरत जब मैं जा रही हूँ। देखिए बेटा इतना अत्याचार, पेट भर भोजन भी नहीं देता, माँ भीख मांग के अपना गुजारा करती थी। ऐसी वृद्ध माओ को भीख ना मांगना पड़े, ऐसी वृद्ध माओ को भीख ना मांगना पड़े, ये दास अनिरुद्ध आपसे बोलता है कि आप दो, इन माओ की सेवा होगी, इन माओ को भीख ना मांगना पड़े, इन माओ के बेटे और बेटियां बनकर आप और हम इन माओ की सेवा करें। आप इनके बेटे ना सेवा कर पाए कोई बात नहीं, हम और आप, हमारे और आपके अंदर की इंसानियत तो जिंदा है। मैया आप यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, यहाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। यहाँ तो आपको कोई कष्ट नहीं है? नहीं। यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? बेटा मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पे खुद नहीं है, अपने पेट को नहीं। इन माओ से एक रुपए लिया नहीं जाता, जो आप सब सहयोग करते हैं, आपके सहयोग के बल पर इन माओ की सेवा यहाँ होती है। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओ का दर्शन किया है? जो दिखता है टीवी पर वो सही है या गलत है? आप कभी आइए, अपनी आंखों से देखिए, इन वृद्ध माओ से खुद बात कीजिए, और इन माओ के लिए ईश्वर ने लायक बनाया है तो आप इन माओ को भोजन दीजिए कि आज इन माओ को हमारी ओर से भोजन बटेगा, आज हमारी ओर से दूध बटेगा, आज हमारी ओर से फल बटेंगे। आप अपनी ओर से माओ को एक दिन का भोजन दे सकते हैं, एक माँ को आप गोद ले सकते हैं कि माँ तुम्हारे जीवन भर रोटी की सेवा हम करेंगे, दवाई की सेवा हम करेंगे। आप इन माओ के लिए एक बड़ा आश्रम ये बन रहा है, इस आश्रम के निर्माण में आप एक बोरी सीमेंट, एक ईंट, दो ईंट, पांच ईंट, 100 ईंट का सहयोग कर सकते हैं, और आप आश्रम के इस निर्माण में थोड़ी ईंट देकर, थोड़ा सहयोग देकर आप भी जुड़ सकते हैं।
यहाँ पर आप जिस प्रकार की सेवाएं करना चाहें, माओं के लिए गौरी गोपाल आश्रम में ये वृद्ध माओं के लिए आश्रम बन रहा है, क्या नहीं लगता साहब? सब कुछ लगता है, इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो कर रहा है वो केवल समाज को ये मैसेज, आप अपने बच्चों को ये मैसेज दे पाएं कि देखो किस तरह माँ बाप की सेवा की जाती है। हम बताकर नहीं सिखाते, करके दिखाते हैं कि देखो इस तरह सेवा करनी चाहिए, पहले देख लो फिर विश्वास करो। तो आपके बच्चे बहुत सारे जब देखते हैं तो वो भी अपने माँ बाप की सेवा करने की प्रेरणा लेते हैं। आपसे बस यही प्रार्थना कि आश्रम में जो 275 माएं वर्तमान में हैं और आगामी 1000 माएं, उनके लिए जो रोज कोई ना कोई माँ आ रही हैं, उनके लिए 1000 माओं के लिए 1000 बेड वाला ये वृद्धाश्रम बन रहा है। आप भी इस आश्रम के निर्माण में जिस लायक हैं जुड़िएगा। आइए मैया, अब आप यहीं रहिए, आपका बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। ईश्वर ने जिस लायक आपको बनाया है, आप सब जुड़िए, कार्यालय में अपना नाम लिखाइए, जो टीवी पर जुड़ रहे हैं आप टीवी के माध्यम से ही आप अपना सहयोग पहुंचाएं। आइए, कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं, नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों के। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन दानवीर महापुरुषों की झोलियां सदा भरी रहें। बड़ी सुंदर पावन कथा का श्रवण सदगुरुदेव भगवान कराने के बाद जोरदार तालियां पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर पावन कथा के साथ में सेवाओं के बारे में भी बता रहे हैं, जो सेवाएं निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं, और ये बड़ा ही सुंदर सो अवसर है कि हम भी इन पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, जो सेवाएं निरंतर श्रीधाम वृंदावन की शोभा को बढ़ा रही हैं। आइए मैं नाम सुनाऊंगा दानवीर महापुरुषों के, हो सकता है कि इनमें से कोई नाम आपका भी हो, अगर आपका भी नाम है तो अच्छा है, नहीं है तो जरूर जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज की श्रेणी में माया देवी गर्ग, आपने सभी सेवाओं के लिए यूएसए से 56,301 रुपए का योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां माया देवी गर्ग के लिए, सभी सेवाओं में आपने भागीदारी निभाई, अपने आप को जोड़ा है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जैन, मीना जैन, आप मुर्दाबाद से हैं और आपने 26,000 रुपए का योगदान दिया है सभी सेवाओं के। शारदा देवी मेरठ से, आप 25,003 रुपए। सुखी राम साहू जी, आप इंगरा बाई जी साहू गोपालपुर से हैं, 21,000 रुपए देते हुए एक माँ का आजीवन सहारा बने, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अश्विनी कुमार गुप्ता कवरदास से 11,000 रुपए क्षेत्र के पावन सेवा के लिए प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही रामबचन राम सकल यादव जी 11,001 रुपए स्वर्गीय है। रमाकांत चौधरी की 5वीं वर्षी को उपलक्ष्य में निर्मल कुमार चौधरी के द्वारा 10,151 रुपए का योगदान दिया गया है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांगी जी मुजफ्फरनगर से 11,000 रुपए। टेक भट्ट जी राज, आप यूएसए से 11,021 रुपए। रमेश कुमारी ठाकुर, आप 11,000 रुपए। रानी मोदरबाल जी वाराणसी से 11,000 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में रमेश कुमार जी ठाकुर, आप 11,000 रुपए। रामजिला जी बंसल ग्वालियर से 11,000 रुपए। विमलेश गर्ग, आप गाजियाबाद से 11,000 रुपए। सतुदान देवांगन रायपुर से 11,000 रुपए। मनोज कुमार जी गोयल, आप गौतमबुद्ध नगर से 7,801 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि देवी सूर्यचंद जी वर्मा आगरा से 11,000 रुपए। निखिल सिंगल 11,000 रुपए। सुधाजी अग्रवाल, आप झारखंड से 5,000 रुपए। महेंद्र बरसात परनबाल जी बिहार से 6,001 रुपए का योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन दानवीर महापुरुषों के लिए और जिनके नाम हमने सुबह सुने। आइए मैं चाहूंगा कि आपका भी नाम इन दानवीर महापुरुषों की श्रेणी से जोड़ा जाए, आप भी थोड़ा पुण्य कमाएं, कुछ अच्छे और नेक कार्य करते हुए। सेवाएं निरंतर सीधा वृंदावन में चल रही हैं, आप जिस सेवा में चाहें उस सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं, माओं का सहारा बन सकते हैं, मात्र 21,000 रुपए के योगदान से। इसी के साथ में एक दिन की आप इन माओं की भोजन प्रसादी की सेवा भी अब अपने हाथों से कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ चलने वाले गौरी गोपाल क्षेत्र पावन सेवा से जुड़कर आप साधु संतों को भोजन प्रसादी मात्र 11,000 रुपए के योगदान से पवा सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ सुबह से लेकर रात्रि तक चलने वाली गौरी गोपाल रसोई जो निरंतर हजारों भक्तों के लिए खुली है, जिसका आप भी योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। आप मात्र 31,000 रुपए के योगदान से एक दिन की संपूर्ण सेवा अपने हाथों से कर सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ में थोड़ा दान की पावन सेवा गौ माताओं के लिए हरा चारा अपने भजन के अनुसार अथवा यहाँ चलने वाली गौरी गोपाल रसोई अन्य क्षेत्र के लिए आप खाद्य सामग्री आटा दाल चावल इत्यादि आप तुला दान के माध्यम से अपने भजन के अनुसार यहाँ दे सकते हैं। इसी के साथ में अन्यत्र और भी सेवाएं सीधा वृंदावन में चल रही हैं, आप जिस सेवा में चाहें उस सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं, पुण्य लाभ अर्जित कमा सकते हैं। जो यहाँ इनके काउंटर यहीं लगा है, आश्रम में भी आप काउंटर पर जाकर के अपना योगदान लिखा सकते हैं। जो लोग घर बैठे उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा था, ताकि वो लोग घर बैठे अपने आप को जोड़ सकें। अब आइए चलेंगे शेष पावन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। धुंधकारी, जब आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं हुई, संत ने फल दिया, फल खाने से
फल गाय को खिलाया, बहन के बेटा धुंधली ने लिया, बाद में वही धुंधकारी हुआ, गाय के पुत्र हुआ गौकर्ण जी, धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, माँ बाप को सताया, माँ बाप की मृत्यु हुई। आत्मदेव जी भागवत जी का पाठ करके गौकर्ण जी के उपदेश से कल्याण हुआ उनका, और धुंधली कुएं में कूदकर आत्महत्या करती है। धुंधकारी पांच वैश्याओं के साथ घिर गया, उन्होंने जलते अंगार मुंह में डाल दिए, धुंधकारी मारा गया, प्रेत बना। और जब गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई तब प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ। भागवत जो सुनता है वो किसी भी योनि में मुक्त हो जाता है। अब धुंधकारी भागवत सुन करके मुक्त हुआ। 12 अप्रैल से फिर भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर के सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं। गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनवाई, भगवान ने आकर हृदय से लगाया, भगवत धाम को गौकर्ण जी गए, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, श्रोता वक्ता का भगवत धाम को नारद जी इत्यादि सब भगवत धाम को गए, कथा पूरी हुई, श्रोता वक्ता का निरूपण, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वक्ता कैसा हो, कथा श्रवण कराने में कुशल, दृष्टांत देने में कुशल, ब्राह्मण श्रोता कथा श्रवण करने वाले हों, इस तरह श्रोता वक्ता का निरूपण, भगवत चर्चा पूरी हुई और भागवत जी में प्रवेश। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेरे तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त गुहकम् सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा उनका ध्यान करते हैं। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह पर कृपा हुई, राजा परीक्षित जी को श्राप, 7 दिन में मरने का जब श्राप लगा तो हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान आए, सुकताल में पूजन किया, हाथ जोड़कर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान बोले भगवत चिंतन, दोनों भगवत चिंतन में डूब गए। आगे की चर्चा कल सुनेंगे, आइए अब आरती की ओर चलें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरिः ॐ मम चन्द्रमा मनसोर्जारश्चक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणस्य मुखाद अग्ने रजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति गिरधर तेरी आरती। हो 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 तारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, ओ तारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, ओ तारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, ओ तहरों में गिर घर तेरी आरती। हो 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 करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। डर
दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, ओ तहरों में गिर भर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, ओ तहरों में गिर घर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, ओ तहरों में गिर घर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास वाणी रुद्र तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तहरों में गिर घर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तहरों में गिर घर तेरी आरती। मंदार माला गुरुदान कपाल माला जग से हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अकिया दर्द रही अब तो आजा घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अकिया दर्द रही अब तो आजा अजन दिलाल तरस रहे नैना अज गोपाल बरस रहे हाँ तरस रहे नैना बरस रहे नैना 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 अज गोपाल तरस रहे नैना अज गोपाल कृष्ण दिलाल तरस रहे अज गोपाल राधे कृष्ण जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालो ध्वनि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि फलवंतावन हरिलाल की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो अयोध्या धाम की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो द्वार धाम की जय हो वृंदावन धाम की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। जिनको भी मिलना है आप यहाँ से आ जाइए ऊपर, आप यहाँ मिल सकते हैं जिन्हें भी मिलना है, और यहाँ मिलने के बाद भी किसी को मिलने का और मन हो तो अंदर गौरी गोपाल मंदिर में भी आप मिल सकते हैं। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के करो चरण में से सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम।